हाँ जी गुड इवनिंग चलो बहुत दिनों से इंतजार था आपको कि यार क्योंकि अब एग्जाम को ज्यादा दिन बचे नहीं है तो एक टॉपिक था लीजिंग वही बाकी रह गया था बाकी तो सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो चुका है और कुछ चैप्टर्स थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है फॉरेक्स है तो वो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि आप सीए वाला रिवीजन कर लीजिए सफिशिएंट है पर लीजिंग का कोई रिवीजन वीडियो है नहीं है मेरा इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी ये लगा कि पहले लीजिंग पहले क्या लीजिंग का रिविजन करवा दिया जाए बाकी टॉपिक्स तो ऑलरेडी हैं लीजिंग में अगर मैं कहूँ कॉन्सेप्चुअल लीजिंग तभी देखना जब आपका कैपिटल बजटिंग किया हुआ है नहीं तो लीजिंग समझ में नहीं आएगा क्योंकि पूरा इसमें प्रेजेंट वैल्यू वाली बात है ठीक है ठीक है मतलब पूरा कि पूरा टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर डिपेंड करता है अब लीजिंग में कॉन्सेप्चुअल कुछ है नहीं है जो इश्यू है लीजिंग में लीजिंग में दिक्कत होती है कि क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और जो क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं ना उसमें पढ़ने में और उसको समझने में और उसको करने में टाइम लगता है तो इस चैप्टर्स में मुझे जो रिवीजन करवाने में जो कुछ होना है वो कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होनी है वो तो पंद्रह बीस मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन बनाने में एक एक क्वेश्चन को उठाने में उसको बनवाने में उसको समझाने में मुझे टाइम लगेगा उसको पढ़ने में टाइम लगेगा इसलिए यह रिविजन वीडियो थोड़ा सा बढ़ा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझे हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करना था इसी वजह से ठीक है जी तो सर है क्या लीजिंग है क्या लीजिंग आखिर है क्या होता क्या है रिवीजन करवा ज्यादा समझाऊंगा नहीं कि यार हमको मान लो कार चाहिए ठीक है तो कार चाहिए बड़ी बड़ी बैंक होती है या बड़ी बड़ी कंपनी काम क्या करती है बोले यार कार खरीदने की अपेक्षा एक तो है कि यार कार खरीद लो कम से कम कितने साल के लिए लगने वाली है हमको चार साल के लिए कार की जरूरत है तो आप क्यों ना ऐसा कर रहे हो कि आप कार खरीद लीजिए एक तो ये दूसरा ये कार खरीदने की अपेक्षा कार आप रेंट पर ले लीजिए लीज पर हर साल एन मंथली तो होगा नहीं इसमें ईयर की ईयर लीज पे लीज पेमेंट करते जाना बात खत्म तो क्वेश्चन पूरा की पूरा लीजिंग टॉपिक ये है कि यार कार खरीदना चाहिए या कार लीज पर लेना चाहिए बस और हमें ये देखना है कि किसमें पैसा कम लगेगा खरीदने में कि लीज पे लेने में ठीक है अब बस हमें ये देखना पड़ेगा कि कार अगर हम खरीद लेते हैं कार हम खरीद लेते हैं तो हमारा पैसा कैसे जाएगा <coughs> और कार हम लीज पर ले लेते हैं तो पैसा किस तरह से जाएगा बस ये देखना पड़ेगा तो अब बात है मुद्दे की बात अगर हम कार खरीद लेते हैं अगर हम कार खरीदते हैं तो क्या क्या जाएगा आज पैसा जाएगा कैश में खरीद रहे मैं मान के चल रहा हूं मैं फाइनेंस की भी में बात करूंगा अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मैं कैश में खरीदा हूं। तो ठीक है ना सर पैसा जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है पैसा जाएगा आज आज कार मान लो पांच लाख रुपए की तो आज मेरे जेब से पांच लाख रुपए जाएगा ठीक है सर आज पांच लाख रुपए जाएगा ये फाइनल है इसके अलावा डेप्रिशन लगाया जा सकता है कि नहीं लगा लगाया जा सकता है सर कार पे हम डेप्रिशिएशन भी तो लगाएंगे ठीक है सर डेप्रिशिएशन भी लगाओगे पर डेप्रिशिएशन खर्चा थोड़ी ना है पर इस पे टैक्स सेविंग्स तो होगा यस yes, टैक्स सेविंग्स तो इंपॉर्टेंट क्या है कार आज जाएगा मेरी जेब से पांच लाख रुपए पर इस पर टैक्स सेविंग्स होगा डेप्रिशिएशन चार्ज करूंगा डेप्रिशिएशन पे टैक्स सेविंग्स होगा ठीक उसके अलावा क्योंकि कार मैंने खरीदा है तो कार में पांच साल बाद बेच भी तो सकता हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा सेलविस कार खरीदने के फायदे में बता रहा हूं कार खरीदने से पैसा आज ही जाएगा सबसे बड़ा नुकसान <Bastard> और पैसा आज ही जाएगा पर यार कार तो मेरी हुई तो डेप्रिशिएशन तो लगा सकता हूं डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग्स होगा और साथ में क्योंकि कार मेरी है पांच साल बाद बेच भी सकता हूं तो मुझे क्या मिलेगा सेलविस आप इसको टर्मिनल वैल्यू बोल सकते हैं ठीक है दूसरा है सर कि कार आप लीज पे लीजिए ना अगर मैं कार लीज पे लेता हूं रेंट पे लेता हूं कार मेरी नहीं कहलाएगी मुझे सिर्फ किराया देना है और यूज करना है That's it. तो बदले में मेरा जेब से हर साल क्या जाएगा लीज रेंट सर ये मंथली नहीं जाएगा कि बेटे मंथली आप संभाल नहीं पाओगे ना मंथली होता नहीं है इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बन जाते तो हर साल लीज रेंट जाएगा लीज रेंट मेरा एक्सपेंसेस है लीज रेंट मेरा एक्सपेंसेस है तो क्या इस पे मेरा टैक्स सेविंग्स होगा हाँ लीज रेंट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगा और पीएनएल अकाउंट में डालूंगा तो मेरा एक्सपेंसेस बढ़ गया और एक्सपेंसेस की वजह से मेरा टैक्स सेविंग्स होगा ये इंपॉर्टेंट है क्या यहां डेप्रिशन चार्ज कर सकते हैं अगर हम लीज पे ले तो नहीं कर सकते क्या हम कार को बेच सकते हो कैसे बेच लोगे जो रेंट पे दे रहा वो तो कार ले जाएगा ना वापस तो यहां क्या सैल्वेज वैल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा बस यही है हमें करना क्या है सर हमें आउटफ्लो निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमें आउटफ्लो निकालना बस इसमें भी आउटफ्लो निकालना है बाई ऑप्शन में और लीज ऑप्शन में भी आउटफ्लो निकालना है और उसका प्रेजेंट वैल्यू करना है और जिसमें पैसा कम लगेगा वो चीज हम कर देंगे दैट्स इट बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं ले एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में हमको काम है अच्छा सर सुनो ना एक बात और कार खरीदते हो तो कार की सर्विसिंग तो करवाना पड़ेगा फिर कैसे करोगे ये आपको सोचना पड़ेगा कार खरीदेंगे तो सर्विसिंग हमको करवाना पड़ेगा और कार लीज पर लेते हैं और सामने वाला बोलता है कि सर्विसिंग हम करवा लेंगे जो लीजिंग कंपनी है ना लीजिंग कंपनी बोलू चलेगा ना तो जो लीजिंग कंपनी है वो कह रही है कि सर्विसिंग हम करवा लेंगे तो आओ हमारा टेंशन खत्म फिर सोचना पड़ेगा तो सर सर्विसिंग का खर्चा आएगा अगर हम खरीदते हैं और लीज पे लेते तो सर्विसिंग का खर्चा नहीं आएगा मेंटेनेंस बोल सकते हो पर सर सामने वाली कंपनी ये कह रही है लीजिंग कंपनी कि सुनिए 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 कि कार आप ले जाइए किराए पर ठीक है लीज पर कार ले जाइए और मेंटेनेंस का भी आप ही खर्चा करना हमारा टेंशन नहीं है तब सुनो क्या यहां मेंटेनेंस का खर्चा आएगा हां सर खरीदोगे तो मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा और यहां सर यहां भी लीज रेंट के अलावा मेंटेनेंस आपको ही करना पड़ेगा क्या दोनों जगह आएगा मेंटेनेंस का खर्चा हाँ सर हा इसका मतलब दोनों जगह नहीं आएगा जब यहां भी उतना ही पैसा जा रहा है जब यहां भी उतना ही पैसा जा रहा है तो दिस इज इरेलीवेंट उसको हटाई दो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस इस पर इसको ध्यान से करना खैर मैं स्टार्ट कर रहा हूं Leasing में एक तो हमको पढ़ना लीज वर्सेस बाय लीज पर ले कि खरीदी ले ठीक है दूसरा है, lease लोन. सर ये क्या है लीज 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 पर ले या खरीदे पर अपने पैसों से नहीं फाइनेंस करवा लो तो उसको लीज लोन और अगर फाइनेंस करवाते तो क्या जाएगा सर पैसा हमारी जेब से आज नहीं जाएगा हमें इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा बस दूसरा क्या पढ़ना सर एनपीवी किसके एंगल से लेसर के पॉइंट से सर लेसर कौन होता है लीजिंग कंपनी लीजिंग कंपनी का बिजनेस क्या वैस है वैसे सर लीजिंग कंपनी का बिजनेस है कि वो कार खरीदती है हाँ और उसको लीज पर देती है तो कार खरीदने पर पैसा जाएगा और लीज पर देने से लीज रेंट आएगा तो हमको ये बिजनेस करना चाहते हैं लीजिंग वाला बिजनेस करना चाहते हैं एसिड परचेस करना चाहते हैं और उसको लीज पर देना चाहते हैं तो हमें फायदा भी होगा कि नहीं होगा मतलब हमें एनपीवी निकालना पड़ेगा कैसा उठ लो कार खरीदोगे तो पैसा जाएगा और लीज पे दोगे तो पैसा आएगा तो मैं वहां एनपीवी निकाल किसके एंगल से बात करूंगा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैं बोल सकता हूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू लीजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथा क्या पढ़ना पड़ेगा ब्रेक इवन लीज़ रेंटल सर ब्रेक इवन लीज़ रेंटल क्या है हमने कार खरीदा बिल्कुल और हम उसको लीज पर देना चाहते हैं कोई हम बता दे कि यार कम से कम कितना लीज रेंट वसूल करूं सामने वाले से कि मैं जितना मेरा जा रहा है कार खरीदने में जितना पैसा जा कम से कम उतना तो आ जाए लीज रेंट के रूप में तो मुझे वो लीज रेंट पता करना है उसको ब्रेक इवन लीज रेंट बस ये चार पॉइंट ही तो है यार और कुछ नहीं है लीजिंग में इतना सिंपल चैप्टर ठीक है तो पहले हम बात क्या करें पहले बात करेंगे कार खरीदे सॉरी कार लीज पर ले कि इट तो यही कहानी है वेन एवर एनी एसिड इज टू बी एक्वायर डिसीजन इज टेकन वेदर सच एसिड शुड बी बॉट आर शुड बी टेकन ऑन लीज ठीक है जी और इस डिसीजन में आपको क्या निकालना सर हमको निकालना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो पैसा कितना जा रहा है वो और वो भी क्या होना जिसमें कम जाएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे लोअर होना चाहिए ठीक है और याद रखना ये फॉर्मेट फिक्स है भाई स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो मुझसे पढ़े हैं हालांकि मैं यहाँ जो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो समझाऊंगा वो जो सीएमए इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड है वो जो प्रेजेंटेशन है वही प्रेजेंटेशन मेरे सामने रह गया मैं अपने प्रेजेंटेशन से नहीं करवा रहा हूं यहां मैं यहां करवाऊंगा जो इंस्टीट्यूट है उन्हीं के प्रेजेंटेशन से हालांकि ये ये जो क्वेश्चंस मैं जितने भी करवा रहा हूं ऑलरेडी आपके किए हुए हैं जिन्होंने मुझसे क्लास ले रखा ऑलरेडी किए हुए हैं तो मैंने जो प्रेजेंटेशन करवाया हूं वो इसी फॉर्मेट में सारी प्रेजेंटेशन इसी फॉर्मेट में है तो प्लीज इसी मैंने जो करवा रखा हूं उसी प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन करना कोई इश्यू नहीं है है वो फिक्स फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन हो जाते आप भी जानते हो ठीक। तो सबसे पहले टैक्स से सेविंग्स मान लो पांच साल है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू टैक्स सेविंग्स माइनस हो जाएगा तो ये आएगा कैश ऑपर अगर मैं क्या कर रहा हूं मैं खरीद लेता हूं तो क्या जाएगा मेरे पास से जितने का मैं परचेस करूंगा और क्या होगा टैक्स सेविंग्स और और लास्ट में क्या मिलेगा waste, जिसको हम क्या बोल रहे हैं टर्मिनल वैल्यू और फिर कैश आउटफ्लो कम होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे ठीक सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह समझना जरूरी है ध्यान से समझोगे लिखा If lease rent includes मेंटेनेंस expenses, मतलब सर क्या कहना चाहता है अगर खरीदोगे तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा अगर लीज पर लेता हूं तो सामने वाली कंपनी बोल रही सर आप सिर्फ आप सिर्फ लीज रेंट दीजिए मेंटेनेंस वगैरह का खर्च सब इसी लीज रेंट में इंक्लूड है वो हम खुद ही करवा लेंगे तो फिर खरीदने में लीज रेंट मेंटेनेंस का आएगा लीज ऑप्शन में मेंटेनेंस का नहीं आएगा वही बोल रहा इफ लीज रेंट में इंक्लूड है मेंटेनेंस देन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस सेल नॉट बी कंसीडर्ड इन लीज ऑप्शन मालूम है बट इट शुड बी कंसीडर्ड इन बाय ऑप्शन खरीदने में तो मेंटेनेंस का करना पड़ेगा खर्च लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मेंटेनेंस का खर्चा लीज रेंट के अलावा देना है मुझको तो भैया जब खरीदोगे अगर कैश में खरीद रहे हो अपना खुद का खरीद रहे हो तो भी मेंटेनेंस आपको ही करवाना है जब आप लीज पर ले रहे हो तो भी मेंटेनेंस आपको ही करवाना है तो इट मीन इधर भी दस हजार आएगा इधर भी दस हजार आएगा तो आप लिख ही क्यों रहे हो दस हजार मत लिखो ठीक है तो वही बोल रहे इफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस डज नॉट इंक्लूड इन लीज रेंट लीज रेंट के अलावा लीज रेंट में इंक्लूड नहीं है अलग से इट मीन्स कौन बॉन कर रहा है लेसी मैं जो लीज पे ले रहा हूं मैं ही मेंटेनेंस करवा रहा हूं तो बोले इस शुड नॉट बी कंसीडर इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा ना तो बाय ऑप्शन में ना तो लीज ऑप्शन में ठीक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है चार लाख पचास हजार लाख रुपए कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब कार का कॉस्ट साढ़े लाख लाइफ कितना है पांच मतलब साल का

लीज़ रेंट कितना जा रहा है सर लीज रेंट जा रहा है एक लाख पच्चीस हजार और इस पर टैक्स सेविंग्स कितनी हो रही है सर तीस परसेंट मतलब पीएनएल अकाउंट में डालोगे तो टैक्स बचेगा ये मैं करवा चुका हूँ कैपिटल बस्टिंग तो एक लाख पच्चीस हजार का तीस परसेंट सर थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड एक लाख पच्चीस हजार जा रहा है थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड हमारा टैक्स बचेगा एक 37, 500, तो टोटल मिलाकर हमारा कॉस्ट हो गया नेट ऑफ टैक्स कि यार पैसा ये जा रहा है पर इसकी वजह से मेरा मेरा टैक्स भी तो तो बच रहा है 87, 37, तो नेट कॉस्ट पांच साल, तो साल का मैंने फैक्टर ले लिया आप ऐसे भी कर सकते हो वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन माइनस टैक्स कर देता टेंशन नहीं तो टोटल आ गया थ्री थ्री वन सेवन वन टू अगर मैं लीज ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं अगर मैं खरीदता हूं तो मेरे जेब से कितना जाएगा आज साढ़े चार लाख मैं कैश में ले रहा हूं आज जाएगा साढ़े चार लाख ठीक है पर मैं डेप्रीसिएशन लगा सकता हूं तो उस डेप्रिशिएशन पे टैक्स सेविंग्स भी तो होगा तो पहले डेप्रिशिएशन निकाले

पचास हजार बेचने पे तो इस ऑप्शन में जा रहा है थ्री थ्री वन सेवन वन टू और इस ऑप्शन में जा रहा तो बताइए कौन सा ऑप्शन अच्छा सर खरीदना अच्छा है क्योंकि इसमें पैसा कम लग रहा है इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है तो वही दिखा बाय ऑप्शन इज बेटर ड्यू टू लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश ऑफ ठीक है जी सिंपल है सिंपल ठीक है सर बात समझ में आ गई आगे चलें यस एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू में क्या लिखा कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है चार लाख पच्चीस हज़ार. कितना है चार साल. Talvez कितना है पच्चीस हजार चार लाख पच्चीस हजार का कॉस्ट ऑफ मशीन है लाइफ है चार साल सैलवेज है पच्चीस हजार कोई दिक्कत नहीं आगे चल रहा डेप्रिशिएशन कितना दिया हुआ है डेन दिया है सर ट्वेंटी परसेंट पर मैथड है so, उस समझ के काम करना अब इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी परसेंट क्या हर साल का डेप्रिशिएशन अलग अलग आएगा yes. है. अगर हम लीज ऑप्शन में जाते तो लीज रेंट है कितना एक लाख पचास हजार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पे कब करना है बिगनिंग ऑफ ईच ईयर ये इंपॉर्टेंट है बिगनिंग ऑफ ईच ईयर इंपॉर्टेंट है ठीक है चार साल है टैक्स चालीस परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सबसे क्या हो गया टैक्स सेविंग्स और पहले वो काम कर कितना था भाई सर चार लाख पच्चीस हजार और डेप्रेशिएशन अगर दिया, तो डेप्रिशिए निकालते समय माइनस नहीं करते ये हमको पता है अच्छे से तो अब डेप्रिशिएशन कैसे निकाला डेप्रिसिएशन कितने पे निकलेगा चार लाख पच्चीस कैसे निकलेगा चार लाख पच्चीस थाउजेंड इंटू ट्वेंटी परसेंट एटी फाइव सॉरी चार लाख पच्चीस हजार इंटू ट्वेंटी परसेंट माइनस ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी एट थाउजेंड

मतलब ट्वेंटी परसेंट माइनस ट्वेंटी परसेंट माइनस ट्वेंटी फोर जीरो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ टैक्स सेविंग्स ऑन डेप इसको मैं अलग से भी दिखा सकता हूं पर मैंने कहा चलो यार इसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया ये क्या आया ये आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिशिएशन ठीक तैयार हो यस सर तो पहला नंबर पे काम है लीज ऑप्शन लीज ऑप्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या जा रहा है सर लीज रेंट अब यहां समझने की बात है बेटे यहां क्या समझना है सर तो सुनोगे हाँ जी अब सुनो लीज रेंट जो जा रहा है वो कब कब जा रहा है और कितना कितना लीज रेंट एक लाख पर ये समझ समझना है इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ एक लाख पचास हजार ये है मेरा फर्स्ट ईयर ये मेरा सेकंड ईयर ये मेरा थर्ड ईयर और ये मेरा फोर्थ ए, यह जीरो तो जनरली जनरली लीज रेंट कब पे होता है यहां 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 तो टैक्स तो आराम से हो जाता है लेकिन यहां लीज रेंट जो पे हो रहा है यहां हो रहा है एक लाख पचास हजार बिगनिंग से एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार और एक लाख पचास हजार इसका मतलब क्या कहना चाहता है सर कहना यह चाहता है कि इस पीरियड का जो लीज रेंट है ना वो यहां पे हो रहा इस पीरियड का लीज या मतलब बिगिनिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना सर तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं रेट कितना है बारह परसेंट अगर बारह परसेंट की फैक्टर की बात करूं तो यहां फैक्टर यहां फैक्टर यहां फैक्टर और यहां का फैक्टर तो वन ही होता है तो फिर मुझे इन सब को ऐड करना पड़ेगा यहां तक ठीक है हाँ सर इट मीन्स फर्स्ट ईयर का फैक्टर अगर मैं कहूं वन डिवाइडेड वन पॉइंट वन टू एक दो तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन. फिर मैंने क्या कर दिया मुझे फिर क्या करना पड़ेगा जी टी? और इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस वन थ्री पॉइंट फोर जीरो टू करना पड़ेगा समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं यस सर वन डिवाइड वन टू तो सर यहां का फैक्टर आ गया पॉइंट एट नाइन थ्री यहां का फैक्टर आ गया पॉइंट सेवन नाइन सेवन और यहां का फैक्टर आ गया पॉइंट सेवन वन टू और यहां का है वन इन सब को एड करोगे तो एड करने से क्या आएगा एड करने से आएगा थ्री पॉइंट फोर जीरो टू ठीक है क्योंकि जीरो पीरियड का फैक्टर वन होता है ठीक है सर यहां क्या समझना स्पेशल था यहां यह समझना स्पेशल नहीं था समझना यह है कि आप इस साल सुनोगे तो इस साल लीज रेंट भले ही आप यहां दे रहे हो यहां दे रहे हो लीज रेंट लेकिन इसका जो टैक्स सेविंग्स होगा वो यहां होगा बात समझ रहे हो आप साल में कहीं भी खर्चे डालो पर टैक्स तो आपको लास्ट में देना पड़ता है इट मीनस यहां का टैक्स कहां देना होगा यहां यहां का टैक्स कहां देना होगा यहां यहां का टैक्स कहां देना होगा यहां और यहां का टैक्स देना होगा मतलब जब टैक्स सेविंग्स करोगे तो पीरियड लोगे वन टू फोर जब लीज रेंट पे करोगे तो सर यहां लीज रेंट वन माइनस टैक्स नहीं चल सकता यहां नहीं चल सकता सर ठीक है बस यही समझने वाली बात थी अब पहले किया मैंने डिटेल में समझा रखा तो लीज रेंट मैंने पीरियड लिखा जीरो टू थ्री ठीक है और कितना एक लाख पचास हजार उस हिसाब से लिख दिया ठीक है सर बात समझ में आठ और जब मैंने टैक्स सेविंग्स किया टैक्स सेविंग्स तो देखो सेविंग लाख पचास हजार का चालीस परसेंट किया मैंने अलग से दिखाया एक लाख वन माइनस टैक्स नहीं किया अलग से दिखाया एक लाख पचास हजार का चालीस परसेंट कितना होता है साठ हजार तो पांच लाख और इसका सब प्रेजेंट वैल्यू किया यहां देखो फैक्टर मैंने वन टू फोर लिया वन टू फोर क्यों लिया मैं समझा चुका हूं ठीक है सर और यहां आ गया टैक्स सेविंग तो यह आ गया थ्री बाकी बाई ऑप्शन आपको मालूम है परचेस करोगे चार लाख पच्चीस हज़ार का आ जाएगा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन मैंने वर्किंग नोट में ये सीधा लिख दिया और लास्ट में मुझे कितना मिलेगा लास्ट में कहीं सेलवेज दिया है कि शायद दिया हुआ था सेलवेज दिया था पच्चीस हजार तो मैंने यहाँ लास्ट में सीधा पच्चीस हज़ार का प्रेजेंट वैल्यू ले लिया तो ये आया थ्री थ्री जीरो फोर नाइन सर इस पर टर्मिनल वैल्यू टैक्स भी तो आएगा ना कैपिटल गेन मैं इग्नोर कैपिटल गेन करके लिख दिया इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स क्योंकि मैं अभी यहाँ उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता तो यहां से इस एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आई पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट एप्रिशिएशन का चक्कर नहीं सबसे इंपॉर्टेंट है अगर लीज रेंट पे होगा बिगनिंग में हो जाने तो उसका टैक्स सेविंग्स कभी भी आपको कब लेना पड़ेगा एंड में लेना पड़ेगा दैट्स इट ठीक है सर वही मैंने लिखवा भी दिया है नोट्स कि अगर लीज रेंट आप बिगनिंग में ले रहे हो तो टैक्स सेविंग्स आपको एंड में कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है जी तो ये था लीज वर्सेस बाय अब क्या करेंगे सर अब करेंगे लीज़ वर्सेस लोन ठीक है सर क्वेश्चन नहीं करवाओगे करवाऊंगा ना थोड़ा तो इंतजार करो यार अब वैसे तो मैं रिवीज़न वीडियो डाल नहीं रहा था अब जब डाला हूं तो थोड़ा ढंग से ही डालूंगा पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ ठीक है सर लीज रेंट का तो जो था वो था अगर हम लोन लेते हैं तो डाउन पेमेंट अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो आ जाएगा पर डाउन पेमेंट हम फाइनेंस करवाते मैं मान के चल रहा हूं हंड्रेड परसेंट फाइनेंस है तो सर हमें हर साल क्या देना पड़ेगा हमें हर साल देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट जो देना होता है उसी में इंटरेस्ट जुड़ा होता है अलग से इंटरेस्ट नहीं देना होता है जनरली जनरली तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक से पांच साल तक पर उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट को आप पी एन अकाउंट में डेबिट करते हो तो उस इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग्स होता है पूरे इंस्टॉल प्रिंसिपल पे नहीं होगा इंटरेस्ट पे होगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट इसके अलावा क्या होगा टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिशिएशन और इसके अलावा क्या होगा टर्मिनल वैल्यू यहां लिखा नहीं है लिख लेना टर्मिनल वैल्यू तो यह आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो ठीक है ठीक है सर बात समझ में आ गई तो सर इस पर एक एग्जाम्पल हो जाए कि हाँ बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा आपको तो एक और एग्जाम्पल लेते एग्जाम्पल नंबर थ्री इससे समझ में आता है कि सर हम खरीद सर लीज वर्सेस बाई ही तो है हाँ लीज वर्सेस बाई है लेकिन इस बार जो खरीद रहे हो वो फाइनेंस करवा रहे हो ठीक है जी ठीक है तो स्टार्ट करें एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है नाइन्टी लाइफ कितना है तीन साल सेलिस कितना है पंद्रह हजार डेप्रिशिएशन का मेथड कौन सा है स्ट्रेट लाइन मेथड, अच्छा लीज ऑप्शन ये लीज ऑप्शन नहीं है लोन ऑप्शन अगर बाई ऑप्शन खरीदते हैं तो खरीदना भाई कितने की आ रही है एसेट कितने की आ रही है नाइनटी थाउजेंड तो बोले नाइनटी थाउजेंड हम लोग उधार ले लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है टेन परसेंट पर एनएम और तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तीन किस्तों में पैसा देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट ठीक है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं मैंने समझाया हूं पर यहां भी समझा दूंगा और पूछ रहा कौन सा ऑप्शन बेटर है लीज वर्सेस लोन तो जैसे लीज ऑप्शन में बोले लीज ऑप्शन में लीज रेंट आपको देना चालीस हजार पर एनम अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो इयर एंड लीज मान के चलेंगे ठीक है और टैक्स का रेट है थर्टी परसेंट सबसे इंपॉर्टेंट लोन ऑप्शन हर साल क्या देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट उसी में इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होता तो वो इंस्टॉलमेंट निकालते कैसे हैं सर तो उसका फॉर्मूला होता है जितना भी लोन अमाउंट है डिवाइड कर देना प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ठीक तो देखा जाए तो यहां कितना रुपए है नाइन्टी थाउजेंड उसको डिवाइड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दस परसेंट तो वन डिवाइडेड वन पॉइंट वन जीरो कितने साल एक दो तीन जी तो डिवाइड करेंगे हम लोग टू पॉइंट फोर एट सिक्स एट से तो नब्बे हजार डिवाइडेड टू पॉइंट फोर एट सिक्स एट तो इंस्टॉलमेंट आ गया रुपीज थ्री सिक्स वन नाइन वन और यहाँ कितना निकला थ्री सिक्स वन एट एट तो उन्होंने तीन डिजिट ले रखा होगा देख लू क्या नब्बे हजार डिवाइडेड टू पॉइंट फोर एट सेवन हाँ यहाँ जो निकला है यहां उन्होंने यहाँ राउंडेड ऑफ कर रखा है ठीक तो ये आ गया थ्री सिक्स वन एट एट कोई फर्क नहीं पड़ता आप आप लोगों को तो टेबल दिया रहता है मतलब आपको वैल्यू टेब, फैक्टर दिया रहेगा ठीक तो सर हर साल कितना इंस्टॉलमेंट पे करना थ्री सिक्स वन एट एट अब इस थ्री सिक्स वन एट एट में इंटरेस्ट भी तो होगा हाँ तो कितना इंटरेस्ट होगा इसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा और ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना जरूरी है सुनो ध्यान से ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको क्या निकालना हमको निकालना टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन दोनों एक साथ निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले हमको इंटरेस्ट कितना ये पता करना जरूरी है। तो यहां लिख देना कि आपने कितने का लोन लिया था सबसे पहले सर नब्बे हजार का लोन लिया था नब्बे हजार रुपए हमने लोन के रूप में लिया था कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दस परसेंट तो सबसे पहले लिखना ईयर वन टू थ्री फिर लिखना आप एक एक इंस्टॉलमेंट आपकी कितने कितने की बोले छत्तीस हजार वन एट एट छत्तीस हजार वन हर साल देंगे हम छत्तीस हजार वन एट तो हमने ये भी लिख दिया उसके बाद यहां आ जाएगा इस छत्तीस हजार वन एट एट में दो चीजें हैं क्या क्या है एक तो इंटरेस्ट है और एक प्रिंसिपल है जो आप बैंकों को किस्त देते हो ना इंस्टॉलमेंट उसमें दो चीजों का पेमेंट होता है एक इंटरेस्ट का पेमेंट होता है और एक प्रिंसिपल का तो इस थ्री सिक्स वन एट एट में इंटरेस्ट कितना जा रहा है भाई और प्रिंसिपल कितना जा रहा है और उसके बाद क्या है उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा है ये निकालना पड़ेगा ठीक है तो बोलो इंस्टॉलमेंट कितना जा रहा है छत्तीस हजार एक सौ अट्ठासी कैलकुलेटर उठाओ और सबसे पहले नब्बे हजार पे पहले साल तो पूरे नाइनटी थाउजेंड पे इंटरेस्ट लगेगा तो नाइनटी थाउजेंड का दस परसेंट तो इंटरेस्ट कितना हो गया नौ हजार तो अब मैं पेमेंट कर रहा हूं पहले साल थ्री सिक्स वन एट एट उसमें नौ हजार तो इंटरेस्ट का चला गया तो भाई मेरे जीब से कितना गया प्रिंसिपल तो छत्तीस हजार वन एट एट माइनस नौ हजार तो आ गया सर टू सेवन वन एट एट अब मैं बैंक मैनेजर के पास गया मैंने कहा सुनो ना बैंक मैनेजर मैंने लोन लिया था नब्बे हजार का बोले हाँ उसमें से मेरा प्रिंसिपल पेमेंट हो गया टू सेवन वन एट एट बोले हाँ तो मैंने कहा बच्चा कितना है तो बोले ऐसा है नाइनटी थाउजेंड माइनस टू सेवन वन टू तो बोले बच्चा सिक्स टू दूसरे साल फिर मैंने इंस्टॉलमेंट दिया थ्री सिक्स वन एट एट अब जो इंटरेस्ट लगेगा दस परसेंट ना वो इस पर लगेगा ठीक है इन टू टेन परसेंट तो यह सर सिक्स टू एट वन फिर मैं गया बैंक के मैनेजर के पास और मैंने कहा इतना किस्त दिया था इतना इंटरेस्ट है तो बाकी बोले बाकी बता रहे थ्री सिक्स वन एट एट माइनस सिक्स टू एट वन तो बोले बाकी टू नाइन नाइन जीरो सेवन किस रूप किस चीज का है बोले ये प्रिंसिपल का अब कितना बचा बोले अब बता रहे हैं ना आपका बोले पिछले साल बैलेंस था सिक्स टू एट वन टू उसमें से आपने प्रिंसिपल का दे दिया टू नाइन नाइन जीरो सेवन तो अब आपका बैलेंस बचा थ्री टू नाइन जीरो फाइव थर्ड ईयर मतलब लास्ट ईयर अब लास्ट ईयर में सुनो क्या करना है हालांकि मैंने अगले पेज में किया है पर मैं ये लिख रहा हूं थर्ड ईयर यहां लिख लेना थ्री सिक्स वन एट एट कोई दिक्कत है और ये वाला लास्ट ईयर में ऐसे काम करना क्योंकि लास्ट ईयर में ना राउंडेड ऑफ की वजह से अंतर आ जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूं करना क्या यहां कर देना थ्री टू नाइन जीरो फाइव ये यह उठाकर यहां लिख देना और यहां जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब जो भी राउंडेड ऑफ करना वो इंटरेस्ट के साथ करना थ्री टू नाइन जीरो फाइव माइनस थ्री सिक्स वन एट एट तो बैलेंस आ जाएगा यहां और बैलेंस आ गया थ्री टू एट थ्री ये बैलेंसिंग फिगर लास्ट में करना ये लास्ट वाले इसमें तो वही किया होगा ये बैलेंसिंग फिगर है इसका और इसका बैलेंसिंग फिगर ये आ गया ठीक है जी ठीक है सर यहां तो कोई समस्या नहीं मैं ये काम क्यों कर रहा हूं मैं सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहा था अब मुझे क्या इंटरेस्ट का अमाउंट पता लग गया है? हाँ सर इंस्टॉलमेंट नहीं इंटरेस्ट इंटरेस्ट का अमाउंट पता लग गया पहले साल का इंटरेस्ट है नौ हजार फिर है सिक्स टू एट वन और फिर है थ्री टू एट थ्री ऐसे ही डेप्रिशिएशन की भी बात करो डेप्रीशियशन कौन सा मेथड है नाइनटी थाउजेंड माइनस पंद्रह हजार डिवाइडेड बाय तीन तो सर हर साल का फिर इन दोनों को जोड़ दिया मैंने और इस पर मैंने अब आगे हम लीज रेंट पे लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स कर लिया नेट ऑफ टैक्स का मतलब समझ रहे हो आप लोग बोलो हाँ हाँ कितना था लीज रेंट लीज रेंट था चालीस हजार चालीस हजार इन टू थर्टी परसेंट है तो नेट में मुझे तो सत्तर परसेंट ही जा रहा है इन टू पॉइंट सेवन तो सर ये आ गया अट्ठाइस हजार तो मैंने यहां लिखा अट्ठाइस हजार डिस्काउंटिंग रेट इंपॉर्टेंट है डिस्काउंटिंग रेट क्योंकि जब भी डिसीजन लिया जाएगा लीज वर्सेस लोन मतलब यार डेट से काम हो रहा है. और जब भी डेट से काम होगा तो आपको के डी यूज करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग रेट में और के डी का फॉर्मूला होता है आई वन माइनस टैक्स टैक्स टी है दस परसेंट और वन माइनस पॉइंट थ्री तो आपको डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना पड़ेगा सात डिसीजन में अगर लोन के थ्रू काम हो रहा है तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट यूज करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग रेट के थ्रू सर क्यों क्यों तो अभी बता नहीं सकता तो ये आ गया ठीक है? है अब लोन ऑप्शन बोलो क्या इंस्टॉलमेंट गया था हाँ कितना गया था सिक्स वन एट एट इसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है इंटरेस्ट अलग से मत दिखा देना इसी में इंक्लूड है ठीक है सर इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग्स होगा पे टैक्स सेविंग्स होगा तो मैंने लिख दिया टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन दोनों और ये निकाला है फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया और लास्ट में हमको ये पंद्रह हजार हजार रुपया भी मिलेगा टर्मिनल वैल्यू ठीक है उसका भी आ गया तो लीज में इतना पैसा जा रहा लोन में इतना पैसा जा रहा था सर लोन लेकर गाड़ी खरीदो ना यार चलेगा तो कौन सा अच्छा है लोन ऑप्शन इज बेटर लिख भी दिया अगर डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया है तो आपको क्या यूज करना चाहिए के यूज करना चाहिए आई वन माइनस टैक्स बस बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या सर बिल्कुल मुश्किल नहीं आसान है लीजिंग आसान है ये तो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा क्वेश्चन करवाऊंगा नो no डाउट पढ़ने में टाइम लगेगा समझने में टाइम लगेगा लेकिन जब फ्लो बनेगा ना तो यार आप कैसे रहने दो रिविजन, रिविजन हम कर लेंगे ठीक तो दो चीजें करवा दिया मैंने अब तीसरा और तीसरा है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेसर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कैसे होगा तो मैंने कहा ना यार लीजिंग कंपनी क्या करती है खरीदती है और खरीद के लीज पे देती है तो खरीदती है तो कैसा आउट लो परचेज कॉस्ट खरीदा और लीज पे दे दिया लीज पे दिया जरूर है पर डेप्रिशिएशन तो मैं ही चार्ज करूंगा तो टैक्स सेविंग्स और डेप्रिशिएशन और क्या मैं बेच सकता हूं पांच साल बाद जब मेरा लीज पीरियड पूरा हो जाएगा मैं अपनी एसेट वापस लाऊंगा और बेच सकता हूं ये मेरा कैश आउटफ्लो है और इनफ्लो के रूप में क्या मिलेगा कुछ नहीं लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स लीज रेंट जो मिलेगा इनकम टैक्स वाला छोड़ेगा थोड़ी ना बोलेगा आपकी कमाई हो रही है क्या मैंने कहा हाँ तो बोले टैक्स देना पड़ेगा तो ठीक है नेट ऑफ टैक्स कितना लीज रेंट मिलेगा इसमें देखते दे हैं और इसमें से ये माइनस करेंगे तो एनपीवी आ गया और एनपी भी पॉजिटिव तो एक्सेप्ट करेंगे अब ब्रेक इवन लीज रेंटल कुछ होता ही नहीं है वो तो एक्स मान के हम कर लेंगे वो बहुत आस, बहुत मुश्किल नहीं है वो आसान है खत्म लीजिए बस इतना ही था तो सर क्वेश्चन नहीं करवाओगे कि हाँ उसमें टाइम लगेगा सर तो क्वेश्चन स्टार्ट करें करीब करीब दस ग्यारह क्वेश्चन है दस क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े एक एक क्वेश्चन को करने में आधा का आधा घंटा लगेगा पर इतना टाइम मैं लूंगा नहीं आपसे क्योंकि नो डाउट आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है मेरा तो है ही नहीं है पर आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो आपको इस तरह से करवाने की कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से वो सब हर वैरायटी का क्वेश्चन है तो वो सारी वैरायटी और आप ही के एग्जाम के और प्रेजेंटेशन भी आप ही का है तो मैं यहाँ कवर करवा दूँ ठीक है तो हम अब स्टार्ट करें क्वेश्चन यस सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चलो जी तो क्वेश्चन देखें यस पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजर टाइप का पर यार सुनो क्वेश्चन तो रहेगी इतने बड़े उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते तो पहला क्वेश्चन है आपके आया एग्जाम में दो हजार सत्रह में आठ नंबर का क्वेश्चन है देखते क्या खास बात है क्वेश्चन में पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर वन पढ़े जी लिखा एच एल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड डिजायर टू एक्वायर डीजल जनरेटिंग मशीन नेट कॉस्ट रुपीज फोर्टी लैक्स मशीन कलर चेंज कर दो और कॉस्ट कितना है इसका सर चालीस लाख एक बात याद रखना लीजिंग के क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि बिना लिखे काम नहीं चलेगा का। तो लिखने की आदत डालो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और सर लाइफ कितनी है दस साल ठीक एट द एंड ऑफ एसिड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी रेसिडल वैल्यू ठीक है सेल्वेज जीरो जीरो द कंपनी इज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव या तो मशीन को लीज पे ले लो भाई या तो मशीन को एसिड को आप परचेज कर लीजिए लोन के थ्रू तो हमारा ऑप्शन हो गया लीज वर्सिस लोन सवाल ये कि टोटल पीरियड कितना है दस साल तो सर दस साल मतलब यार ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया यस क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है ठीक है पढ़ते हैं इतमान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है याद रखना कि सारे क्वेश्चन सीएम इंस्टीट्यूट के एग्जाम के क्वेश्चन है तो प्लीज कर लो लीज पेमेंट आर इक्वल एनुअल अमाउंट दैट एडवांस लीज के लिए साफ साफ लिखा है कि कैसे होगा इन एडवांस होगा मतलब बिगनिंग ऑफ ईयर मतलब सर सीधा बोल सकते हो जीरो टू नाइन और टैक्स क्या होगा वन टू टेन ठीक है एंड द लेसर रिक्वायर्ड द रिक्वायर टू कंप्लीटली कंप्लीटली एमोटाइज का मतलब क्या होता है सर डेप्रिशिएशन का मेथड कौन सा मेथड है एसएलएम ठीक है द लोन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट अठारह परसेंट द लोन हैज टू बी पैट लोन कैसे बोले दस इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा बिकमिंग ड्यू एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ओह ये लाइन इंपॉर्टेंट है जनरली हम बैंक से जब लोन लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट जो स्टार्ट होती है वो तो यार फर्स्ट ईयर के एंड से स्टार्ट होगी अगर मैं मंथली बात नहीं करूं फर्स्ट ईयर के एंड से बोला नहीं जिस दिन आप लोन ले रहे हो जिस दिन आप लोन ले रहे हो ठीक है तो आपको जो इंस्टॉलमेंट देना है वो जीरो पीरियड से स्टार्ट होगी मतलब जीरो टू नाइन दसवें साल कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देना आज से ही जिस दिन लोन लिया उसी दिन से इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगी ये बोल रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स का रेट है पचास परसेंट इट इज मेथड में जाओ चाहे आप लीज पे चाहे लोन पर तो बोले जो ऑपरेटिंग है, है, कॉस्ट है, है और टैक्स के हिसाब से भी आप एसएलएम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज यू टैक्स बेनिफिट एट द रिस्पेक्टिव ईयर वो तो हमको पता है भले ही आपका बिगनिंग में लीज रेंट पेड हो रहा है भले ही बिगनिंग में आपका कुछ भी हो रहा पर जो टैक्स सेविंग होगा वो लास्ट में ही होगा एंड फॉर द एंड ऑफ इन जीरो है। बेनिफिट में भी चाहे आपका जीरो पीरियड में पे हो रहा टैक्स बेनिफिट फर्स्ट ईयर में होगा आठ परसेंट आपको डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है ठीक है और नहीं भी दिया होता तो सोलह परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम केडी यूज करते आठ परसेंट मांग क्या रहा है भैया ये बताओ याद रखना यार क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट क्या है ये देखिए प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्काउंटेड वैल्यू डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना है ऑफ एनुअल कैश फ्लो जो भी एनुअल कैश फ्लो है उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करना है ठीक है टू द नियरस्ट रूपीज अंडर अल्टरनेटिव बी ओनली फॉर एंड ऑफ जीरो मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा है कि जो अल्टरनेटिव बी है

इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट रहता तो उस पर टैक्स सेविंग डेप्रिशिएशन पे टैक्स सेविंग और क्या हो सकता है इसके अलावा तो कुछ होता नहीं ठीक है और फिर बोल रहा व्हाट शुड बी द मैक्सिम एनिमल ऑप्शन मे बी प्रेफर्ड इफ यू आर गिवन द प्रेजेंट वैल्यू अंडर द लोन ऑप्शन दिस 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 सर क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है वो मैं समझा दूंगा सबसे पहले बोल रहा फर्स्ट वाला पॉइंट आपको पॉइंट नंबर बी का कैश फ्लो निकालना है तैयार है यस सर तो सबसे पहले पहला काम क्या करें सर इस क्वेश्चन में पहला काम यह होगा कि आप इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालोगे और कितने की एसिड है चालीस लाख की यहाँ फैक्टर भी दे रखा है तो सबसे पहला काम है निकाला है कि भाई ये निकाला है एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन मशीन कितनी है चालीस लाख की और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया याद रखना ये कैसे लिया है ये लिया है होगा उसने जीरो टू नाइन कितने परसेंट के हिसाब से सोलह परसेंट के हिसाब से क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है वो जीरो से हो रही है ठीक जीरो टू नाइन ही लिया है तो वो कितना आ गया वो आ गया फोर पॉइंट सिक्स जीरो सेवन और जीरो का ले लिया वन तो टोटल मिलाकर आया फाइव पॉइंट सिक्स जीरो सेवन तो इंस्टॉलमेंट आ गया और इंस्टॉलमेंट कितना आया सात लाख तेरह हजार तीन सौ और ये इंस्टॉलमेंट कब से जिस दिन लोन ले रहा है लोन कितने का है सर लोन तो चालीस लाख का है चालीस लाख पहला किस्त कब जाएगा सर आज ही चला जाएगा जिस दिन लोन ले रहा है तो यार अल्टीमेटली इंटरेस्ट तो लगेगा ही नहीं तो जितना भी किस्त जा रहा है सात लाख तेरह हजार की वो पूरा की पूरा प्रिंसिपल रिपेमेंट हो रहा है इट मीन मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग बैलेंस शुरू में कितना बचा सर पहले दिन ही चालीस लाख का लोन था उसमें से सात लाख तेरह हजार तीन सौ वापस हो गया तो बचा है तीन बत्तीस लाख छियासी हजार छह सौ जब इंस्टॉलमेंट करोगे सेकेंड फर्स्ट ईयर का अब उस पर इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट इस पे इसका कितना परसेंट सोलह परसेंट तो ये आ गया फाइव टू फाइव एट फाइव सेवन ये क्या आ गया इंटरेस्ट तो अब मैं कहूंगा सर ऐसा है कि टोटल इंस्टॉलमेंट इतने का है और उसमें इंटरेस्ट के रूप में इतना दिया गया तो माइनस सात लाख तेरह हजार तीन सौ चौरानबे तो ये आ गया मेरा प्रिंसिपल अब मैंने कहा यार अब बैलेंस कितना बचा तो इसमें से ये माइनस कर देना ये बैलेंस बचाएगा और फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा इस तरह से काम होगा हम ये काम क्यों कर रहे हैं हम ये काम कर रहे हैं इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने निकाल लिया सर इंटरेस्ट का अमाउंट लग क्यों रहा है क्योंकि उसी पे टैक्स सेविंग्स होगा सर इंस्टॉलमेंट तो निकाल लिया इंस्टॉलमेंट पे टैक्स सेविंग्स नहीं होगा इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग्स होगा ठीक सर आगे काम आगे करना ही नहीं उसने कहा जीरो वन टू और टेन अगर आगे करना होता तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता ठीक है तो अब लोन ऑप्शन का देख ले यस सर पहली बात हमें कौन कौन सा कैश फ्लो दिखाना है जीरो वन टू और टेन ईयर का तो क्या पहले साल जीरो आज के दिन इंस्टॉलमेंट जा रहा है यस ये पैसा जा रहा है तो ये पैसा जा रहा है टोटल ठीक है दूसरे साल इंस्टॉलमेंट भी जा रहा है अब इंस्टॉलमेंट जा रहा है तो सर इसमें इंटरेस्ट भी तो जा रहा है इंटरेस्ट जा रहा है वो इसी के अंदर है। तो सर अलग से क्यों दिखा रहे भैया इस पर टैक्स सेविंग से निकालने की कोशिश कर रहा है और डेप्रिशिएशन चार लाख तो चार लाख पे डेप्रिशिएशन चार लाख टैक्स का रेट है फिफ्टी परसेंट तो इस पर टैक्स सेविंग्स हो रहा है दो लाख और ये सर ये क्या निकाला ये क्या है ये इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट तो ये है पर इस पर टैक्स सेविंग कितना होगा फिफ्टी परसेंट तो मैंने कहा यार जा रहा है पहले साल फर्स्ट ईयर के एंड में सात लाख तेरह हजार तीन सौ चौरानवे लेकिन सर टैक्स सेविंग्स ये दोनों हो गया ठीक है सर तो टोटल इसमें से ये टैक्स सेविंग हो गया तो मेरे जेब से कितना जा रहा फर्स्ट ईयर में टू फाइव जीरो फोर सिक्स फाइव ठीक है जी ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी देखोगे ये देखोगे टैक्स सेविंग्स देखोगे तो जा रहा है इतना यहां तक तो कोई दिक्कत है क्या नहीं उसने पूरा नहीं मांगा है पूरा मांगता तो ये टेबल भी पूरी बनानी पड़ती उसने कहा बस जीरो का वन का टू का और टेन का बताइए सर दसवें साल में दसवें साल में सेल्वेज आएगा सेल्वेज दिया है क्या सेल्वेज वेलवेज कुछ नहीं दिया है तो बस डेप्रेशिएशन पे टैक्स हो जाएगा और फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये देखा। इतना सा ही मांगा था इसलिए हमने इतना सा ही बनाया ठीक अब वो कह रहा अब सुनना ध्यान से उसका ये कहना है कि मान लो ये पूरा की पूरा कैलकुलेट होता कंप्लीट दस साल तक अगर हम लोन लेके काम करते तो जो किस्तें जाती है उसपे जो इंटरेस्ट सेविंग होता है उसपे जो इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होता है जो डेप्रिशिएशन पे टैक्स सेविंग होता है जो इन सब को मिलाकर लोन ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया कौन से ऑप्शन में लोन ऑप्शन में और कितना आ गया टोटल मिलाकर मैं सेकेंड हुआ आ गया बोले छब्बीस लाख सत्तावन हजार छब्बीस लाख सत्तावन हजार ठीक है सर आ गए तो बोले बताइए इसको मैच करने के लिए मैक्सिमम हम एनुअल लीज रेंट कितना दे सकते फॉर विच द लीज ऑप्शन मे बी प्रिफर्ड इफ यू आर गिवन मतलब मतलब सर ऐसा है कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमारे जेब से इतना जा रहा है लीज पे ले ना। तो लीज रेंट कितना बोले बता दो कि लीज रेंट इतना कम से कम कितना देना पड़े कि हम लीज वाले को हम ये बोले कि लीज ऑप्शन अच्छा है तो हम एक लीज रेंट निकालते हैं हम इसको मैच करने की कोई ब्रेक इवन लीज रेंट निकालते वो कैसे करेंगे बोलो लीज रेंट जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा एक्स ठीक है तो लीज रेंट जो दे रहे हो वो कितना दे रहे हो सर एक्स ठीक है फैक्टर कितना ले ले फैक्टर कितने परसेंट का लेना पड़ेगा फैक्टर आठ परसेंट का और आठ परसेंट का मतलब लीज रेंट बिगिनिंग में है जीरो टू नाइन का लेना पड़ेगा फैक्टर देखो क्या वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ जी टी प्लस वन सेवन पॉइंट टू फोर सिक्स एट टू फोर सेवन ले लेते सेवन पॉइंट टू फोर सेवन तो लीज रेंट आ गया सेवन पॉइंट टू फोर सेवन एक्स मैं मान के चल रहा हूं कि लीज रेंट एक्स और टैक्स सेविंग टैक्स का रेट कितना फिफ्टी परसेंट तो टैक्स सेविंग होगा पॉइंट फाइव जीरो एक्स लेकिन 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 ये लेना पड़ेगा इयर एंड मतलब वन डिवाइड वन पॉइंट जीरो तो एट एक दो तो तो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस जी ठीक ये आ जाएगा सिक्स पॉइंट सेवन वन जीरो ठीक है बाकी देख लेंगे मिलाकर देख लेंगे तो पॉइंट फाइव इंटू सिक्स पॉइंट सेवन वन ज़ीरो तो सर ये आ गया थ्री पॉइंट थ्री फाइव फाइव एक्स तो नेट ऑफ टैक्स माइनस सेवन पॉइंट टू फोर सेवन तो ये आ गया सर थ्री पॉइंट एट नाइन टू एक्स तो हमारा जा रहा है ट्वेंटी सिक्स फाइव सेवन ज़ीरो टू नाइन और होना चाहिए थ्री पॉइंट एट नाइन टू एक्स इसको मैच करवाने की कोशिश करते तो एक्स का वैल्यू आ वै जाएगा टू सिक्स फाइव सेवन जीरो टू नाइन डिवाइडेड बाई तो सर ये आ गया सिक्स एट टू सिक्स नाइन जीरो तो इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है बताना ये चाह रहा है कि सर अगर हम इतना लीज रेंट दे इतना तो फिर आप लोन से लो चाहे इससे लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर लीज रेंट इससे कम मिलेगा तो हमारे लिए लीज ऑप्शन अच्छा है है तो वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि लाख बयासी हजार छह सौ नब्बे से कम होना चाहिए तब लीज ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा करना कुछ नहीं था एक तो हमको लोन ऑप्शन का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना था और लीज रेंट को क्या मानना होता है एक्स इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन लीज रेंट ठीक है जी हो जाएगा क्वेश्चन

थोड़ा सा समझ लेते हैं। हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर किया हूं मैंने एक्चुअली रिवीजन कुछ है ही नहीं है यार मैं ही करवा रहा हूं हर वैरायटी का क्वेश्चन लीजिंग की हर वैरायटी कवर किया पढ़े जी लिखा एक्स वाई जेड इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ एडिशनल कंप्यूटर टू सप्लीमेंट इट्स कंप्यूटर सर्विस टू इट्स क्लाइंट दो ऑप्शन है या तो कंप्यूटर खरीद लीजिए बारह लाख का सॉरी बावि लाख का बाईस लाख का कंप्यूटर ले लो यार या तो एक काम करो कंप्यूटर आप लीज पर ले लीजिए टू लीज, तो लीज द कंप्यूटर कितने साल के लिए थ्री इयर्स फ्रॉम लीजिंग कंपनी और लीजिंग लीज 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 रेंट रेंट कितना देना बोले लाख एनुअल ईयर और एग्रीमेंट आल्सो रिक्वायर एन एडिशनल वन टाइम लमसम लीज रेंट सिक्स लाख एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मतलब वो कह रहा है कि भाई लीज रेंट ऐसा होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यहां पांच लाख पांच लाख और यहां भी पांच लाख और छह लाख अलग से तो टोटल पांच लाख पांच लाख और ग्यारह लाख रुपए का लीज रेंट है ठीक है लीज रेंट आर पेबल एट ईयर एंड थैंक गॉड एंड कंप्यूटर रिटर्न टू द लेसर आफ्टर द लीज पीरियड ये तो यार कॉमन सेंस है आगे क्या लिखा हुआ है द कंपनी एस्टिमेट दैट कंप्यूटर कंसिडर्ड फॉर परचेस नाउ विल बी रुपीज टेन लैक एट दर्ड इंड प्रोसेडल वो कहना चाहता अगर आप कंप्यूटर खरीदते हो तो ये कंप्यूटर आप तीन साल यूज करोगे और तीन साल बाद बेचोगे और बेचोगे तो सैलवेज वैल्यू भी तो मिलेगी और सैलवेज वैल्यू कितनी मिलेगी दस लाख है। अब बोल रहे हैं कि अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमें रेवेन्यू होगा पहले साल बाईस लाख पचास हजार का फिर पच्चीस लाख ,00 का और फिर सत्ताईस लाख पचास हजार का ठीक है और कंप्यूटर रेंट पर लेते हैं तो तो भी इतना ही रेवेन्यू होगा कुछ बताया नहीं अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो चाहे आप खरीद रहे हो चाहे आप लीस पे ले रहे हो रेवेन्यू यही होगा तो ये तो मेरे लिए इेलिवेंट है सर एनुअल इंड प्री टैक्स ऑपरेटिंग ये अच्छा क्वेश्चन है एनुअल इंड प्री टेक्स ऑपरेटिंग डेप्रिशन एंड लीज रेंट आर एस्टिमेटेड रुपीज नाइन लैख विथ एंड एडिशनल रुपीज वन लैक फॉर स्टार्टअप एंड ट्रेनिंग कॉस्ट एट दिग्निंग ऑफ फर्स्ट ईयर द टैक्स बेनिफिट ऑफ विच कैन बी क्लेम्ड एट दर्स्ट ईयर दिस कॉस्ट आर टू बी बॉर्न बाय एक्स वाइज लिमिटेड इंपॉर्टेंट है कहना क्या चाहते हैं सर कहना ये चाहते हैं कि अगर आप कंप्यूटर लीज पर लेते हो ठीक है मैं कौन हूं मैं हूं एक्स वाई जेट अगर मैं लीज पे लेता हूं तो मुझे ये लीज रेंट देना होगा ठीक है एग्री हूं पर बोले लीज रेंट के अलावा कंप्यूटर चलाने का खर्चा भी तो आएगा भैया खरीदते तो भी तो आता और बोले जो ट्रेनिंग देना पड़ेगा वो भी तो आता लीज रेंट तो सामने वाला क्या था लीज रेंट दे दो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका और आपका जो ट्रेनिंग वेनिंग है वो हम नहीं देना वो भी आप ही ले लेना उसका पैसा लगेगा अलग से और अगर मैं कंप्यूटर खरीदता तो ट्रेनिंग वो तो भी तो भी खर्चा आता मतलब ये दोनों कॉस्ट कौन सा इ बहुत काम की चीज है अलग जरूर रहा यार इ इधर भी आएगा लीजिंग में भी खर्चा होगा परचेस में भी खर्चा होगा मतलब लिखी क्यों रहे मत लिखिए अब बोल रहा है या तो आप एक काम करो आप 16 के हिसाब से बोरो कर लीजिए कंप्यूटर खरीद लीजिए और इंस्टॉलमेंट निकालना नहीं है बोले इंस्टॉलमेंट ऐसे होगा इट मींस अगर आप परचेस करते हो तो पहले साल कितना जाएगा बोले पहले साल आठ लाख बावन हजार दिख रहा है आपको आठ लाख बावन हजार और फिर दूसरे साल ग्यारह लाख बाईस हजार और तीसरे साल बोले नाइन लाख एटी सिक्स थाउजेंड तो सर इसमें से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको चिंता नहीं करो इंटरेस्ट उसने निकाल कर दे दिया इस पर टैक्से में सब देख लेंगे मतलब वो बहुत बड़ा वाला टेबल नहीं बनाना पड़ेगा ठीक द कंपनी डेप्रिशिएट द कंप्यूटर एक सिक्सटी परसेंट ये इंपॉर्टेंट है सिक्सटी परसेंट ऑफ कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर कॉस्ट कितना है बाईस लाख तो बोले बाईस लाख का साठ परसेंट डेप्रीशिएशन हम फर्स्ट ईयर में ही लगा लेंगे तो सेलवेज माइनस नहीं होगा कि नहीं होगा अगर लिखा रहता स्ट्रेट लाइन मेथड तो मैं शायद सेलवेज माइनस कर देता इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बाविस सिक्सटी परसेंट्रिशिएशन आप फर्स्ट ईयर में लग, निकाल लेना और सेकंड ईयर में बचा हुआ कंसीडर दिस एट ईयर एंड द मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाइजेट एप्रोचेस यू एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर एडवाइस वाय पोर्ट योर एडवाइस विद रेलिवेंट कैल्कुलेशन प्रेजेंट एनुअल डिस्काउंट एंड कैश फ्लो टू दियरेस्ट रुपीज फॉर ईच ऑप्शन टू द डेसिमल प्रोवाइडेड वो प्रोवाइड होता है क्वेश्चन में और इंडिकेट इनफ्लो को ऐसे ब्रैकेट में दिखाना क्यों इनफ्लो को ब्रैकेट में दिखाना क्योंकि जो क्वेश्चन है वो तो आउटलोक का है ना यार कि किसमें आउटलोक कम लगेगा ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है हिम्मत चाहिए सुनने के लिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा किससे स्टार्ट करते लीज रेंट से स्टार्ट करें क्या ठीक है सर लीज रेंट से उसने लीज रेंट से स्टार्ट नहीं किया उसने लोन से स्टार्ट किया परचेज अब ये डिस्काउंटिंग रेट कितना लेके डिस्काउंटिंग रेट कहीं भी नहीं दिया है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है सोलह परसेंट और मैंने कहा था लीज वर्सेस लोन में आपको के डी यूज करना पड़ेगा सिक्सटीन वन माइनस पॉइंट फाइव तो आपको डिस्काउंटिंग रेट कितना यूज करना पड़ेगा आठ परसेंट ठीक है अब इन्होंने जो स्टार्ट किया है इन्होंने लीज से स्टार्ट नहीं किया है इन्होंने लोन ऑप्शन से स्टार्ट किया तो हमको क्या फर्क पड़ा हम भी लोन से स्टार्ट करें तो इन्होंने ये टाइम पास हमने सीधा सीधा देख लिया कि बोले पहले साल आठ लाख बावन हजार जा रहा ग्यारह लाख हजार नौ लाख छियासी हजार नौ लाख बट क्या क्या होगा टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट जो भी होगा इंटरेस्ट दिया है कि अलग से यस निकाल कर दिए इंटरेस्ट है तो इसका हर साल फिफ्टी फिफ्टी परसेंट निकाल लेना तो टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट हो जाएगा माइनस हो जाएगा और टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिशिएशन वो कैसे निकलेगा सर बाईस लाख का सिक्सटी परसेंट तेरह लाख बीस हजार उसका फिफ्टी परसेंट टैक्स सेविंग्स छह लाख साठ हजार ठीक है हाँ बोलो यार सेल्वेज माइनस मत करना यही गलती करोगे बाकी और कुछ नहीं तो ये टोटल मेरा पैसा जा रहा है ये पैसा ये पैसा बच रहा है सर और ये जा रहा है इसमें से ये माइनस किया तो टोटल आ गया सोलह हजार मतलब जो आपका इंस्टॉलमेंट जा रहा है उसमें से आपने टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट माइनस किया टैक्स सेविंग्स से ऑन डिप्रिशिएशन माइनस किया तो वो माइनस करने के बाद पहले साल अगर आप लोन ऑप्शन में जाते हैं तो पहले साल आपके पास से जा रहा है सोलह हजार फिर इतना फिर इतना डिस्काउंटिंग रेट कितना यूज करोगे आठ परसेंट जहां जहाँ सर्कल लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है वहीं गलती होनी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया ठीक है सर तो इंस्टॉलमेंट हो गया टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट हो गया टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिशिएशन और एक बचा सेल्विस बोलो भाई सेल्स कंसिडरेशन बोलो कितना पैसा आएगा कंप्यूटर को बेचने से दस लाख पर क्या मशीन पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो चुकी है यस तो बुक वैल्यू तो जीरो हो गया तो सर ये तो कैपिटल गेन हो गया दस लाख और उसका फिफ्टी है तो दस लाख में से पांच लाख गया तो बचा कितना सर पांच ही लाख तो बचा है yes. तो पांच लाख ही है तो पांच लाख रुपए और ईयर में आएगा थर्ड ईयर में थर्ड ईयर के फैक्टर से तो यह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलवेज वैल्यू तो टोटल तो अगर हम लोन ऑप्शन में जाते हैं तो टोटल तो कैश आउटफ्लो तो यह आएगा आठ लाख चौदह हजार छह सौ तीस ठीक है जी यस दूसरा या तो हम लीज पर ले ले अगर लीज पर लेते हैं तो हर साल पांच लाख और ये छह लाख उस पर टैक्स सेविंग्स को माइनस करने के बाद ये आ गया फैक्टर से मल्टीप्लाई किए तो एट एट टू फोर फाइव जीरो आ गया कुछ स्पेशल नहीं और बोलो पैसा किस में कम लग रहा सर लोन ऑप्शन इज बेटर हम लोन ले ले तो ज्यादा अच्छा और बाकी सर वो रेवेन्यू प्री टैक्स रेवेन्यू दिया है और उसके अलावा बहुत कुछ दिया था ऑपरेटिंग कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट वो सब इरेवेंट है वो तो दोनों में लगना है दोनों में लगना मतलब दोनों में नहीं लगाएंगे दोनों में लगना मतलब समझ गए दैट्स इट अल्टरनेटिव दे रखा अल्टरनेटिव हमारे काम का नहीं है उसने सब ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों में जोड़ रखा बेकार बात है क्यों टाइम बर्बाद बात करें ठीक है जी चले अगले क्वेश्चन पे सर बहुत टाइम लगता क्वेश्चन में मैं तो पहले ही बोला था कि क्वेश्चन में टाइम लगेगा यार ये लो और एक बेहतरीन क्वेश्चन सर कहां से उठाकर लाए क्वेश्चन मैं कहीं से उठाकर नहीं लाया ये आपका सीएमए इंस्टीट्यूट है बारह नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी कोई क्वेश्चन दिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन यार हद हो गई मेरी तो ड्यूटी है मुझको तो करवाना ही पड़ेगा पढ़ते इतना टोटल मिलाकर दस क्वेश्चन है भाई दस क्वेश्चन दस कर लेते हैं ना तो हमारा पूरा लेजिंग जो है ना पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर तैयार हो हाँ बोलो ना यार हाँ ठीक है लिखा कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बिटवीन एमएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड फॉरेन एम्बेसी टू बिल्ड अ ब्लॉक ऑफ टेन फ्लैट टू बी यूज बाय द फॉरेन एम्बेसी एज गेस्ट हाउस कहना क्या चाहता सर कोई फॉरेन एम्बेसी है और कॉन्ट्रैक्टर है तो फॉरेन एम्बेसी ने एम एन टी एम एन टी कंस्ट्रक्शन कंपनी ठीक है इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ और ये बोलता है कि हम आपको लैंड देंगे ठीक है और कितने रुपए का देंगे बोले पचास लाख रुपए का आपको लैंड देंगे किस लिए दे रहे बोले आप एक काम करो उसमें आप फ्लैट्स बनाइए कौन बनाने वाला कॉन्ट्रेक्टर पहला क्वेश्चन कॉन्ट्रेक्टर के जेब से आज कितना गया सर पचास लाख पचास लाख नहीं गया 50 लाख वैल्यू का मैंने आपको लैंड दे दिया और मैं कहता हूँ फ्लैट बनाओ तो कहां पैसा गया कहा यार भाई कॉन्ट्रैक्टर है उसको तो कोई जमीन बता वो दे वो बिल्डिंग बना देगा उसका क्या है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया कि लैंड का कॉस्ट 50 लाख है उससे क्या लेना देना ठीक है और कितने फ्लैट्स बनाना है 10 फ्लैट्स द कंपनी वुड बिल्ड देयर फ्लैट एट देयर ओन कॉस्ट ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये जो कंपनी है ये अपनी कॉस्ट लगाकर फ्लैट बनाएंगे अपनी कॉस्ट लगा ठीक है एंड लीज देम और जो बनाओगे पैसा तो लगेगा भैया बहुत सारा हाँ तो बोले उसको ना आप लीज पे दे देना किसको इन्हीं को आप लीज पर दे देना बताओ लीज और कितने साल के लिए बोले पंद्रह साल के लिए

मतलब 16 लाख रुपए एक प्रकार से सेल्वेज वैल्यू हो गई हाँ, ठीक है कौन बना रहा है कंपनी बना रही है तो देखिए कॉस्ट वॉस्ट कितना पड़ा यस yes. तो एरिया एक फ्लैट का एरिया कितना है 1500 स्क्वायर फीट पे एक फ्लैट बनेगा किसका खर्चा है सर कॉन्ट्रैक्टर का कंपनी का खर्च और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है ₹1200 पर स्क्वायर फीट और कितना फ्लैट है 10 तो पंद्रह सौ इंटू बारह सौ और कितना फ्लैट से दस पंद्रह सौ इंटू बारह सौ इंटू दस तो करीब करीब एक सौ अस्सी लाख का खर्चा मानते हो यस yes. और उसके अलावा पांच परसेंट एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन वर्ग कैपिटलाइज होगा प्लस पांच परसेंट तो टोटल मिलाकर एक सौ नवासी लाख रुपए के खर्च दिस इज कॉस्ट पैसा इसका लग गया वन एटी नाइन लैक्स ठीक लग गया अब क्या करना द कंपनी विल ऑल्सो इनकर आठ लाख रुपए हर साल खर्च होने वाला है कौन से चौथे फोर्टीन एंड फिफ्टीन ईयर में मतलब आठ लाख का खर्चा है फोर्टीन में भी और फिफ्टीन में भी आठ लाख का खर्चा किस चीज का खर्चा है भाई बोले रिपेयर का खर्चा है। ठीक है इस पर सेविंग्स हो जाएगा पहला काम मैं ये सोच रहा हूँ मैं मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं सोच रहा हूँ यार मैं फ्लैट्स बनवा लेता हूँ और बना के इसको लीज पे दे दूंगा और लास्ट में पंद्रह लाख तो मिलेगा ही तो बोले ठीक है मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरा कितना खर्चा आएगा तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये खर्चा आएगा बनाने में आज ही और साथ में रिपेयर भी मुझे ही करवाना पड़ेगा कौन कौन सी ईयर में खर्च है फोर्टीन और फिफ्टीन ईयर में मैं अपना कितना कॉस्ट लग रहा कितना खर्च हो रहा मैं ये जोड़ रहा हूँ एक्चुअली अब मैं हिसाब ये मेरा एक्सपेंसेस है तो भाई साहब मैं फॉरेन एमबीसी से लीज रेंट वसूल करूंगा इतना करूंगा कि जो मेरा लग रहा है पैसा वो रिकवर हो जाए कम से कम लीज सामने वाली कंपनी से फॉरेन एम्बीसी से सोलह लाख रुपए लास्ट में मिलेगा ये तो पक्का है पर लीज रेंट के रूप में कितना लूंगा मुझे ये देखना है तो उसने कहा भाई एक से पांच साल में पहले दूसरे तीसरे चौथे एक से पंद्रह साल के लिए लीज है तो बोले पहले नॉर्मल लेना और फिर छे से दस साल में बोले जो नॉर्मल लीज रेंट होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा लेना और बोले लास्ट के जो पांच साल है उसमें थोड़ा और ज्यादा लेना अब कुछ ना कुछ तो एक्स मानना पड़ेगा बोले यहां ले लेना एक्स तो छह से दस साल में कितना लेंगे सर वन पॉइंट थ्री जीरो एक्स और यहां कितना लेंगे वन पॉइंट फाइव जीरो एक्स कर लेंगे मुझे लीज रेंट निकालना इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं ठीक है जी कंपनीज प्रेजेंट टैक्स रेट टैक्स का रेट कितना चल रहा है पैंतीस परसेंट विच इज लाइकली टू बी सेम इन फ्यूचर ये इंपॉर्टेंट है यहां बच्चों को डाउट आता है क्या लिखा द फुल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट विल बी रिटर्न ऑफ ओवर फिफ्टीन ईयर एट ए यूनिफॉर्म रेट एंड विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेप्रिशिएशन लगाना है हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड है पहला क्वेश्चन सर डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो सिर्फ 180 लाख पे लगाएंगे कि वन रजिस्ट्री का भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे रजिस्ट्री का जो खर्च होता है उस पर भी डेप्रीसी लगाएंगे पहली बात कभी भी जो रजिस्ट्री का पैसा है वो भी कैपिटलाइज होता है या फिर नई भी होता होगा मुझे मतलब नहीं है यहां साफ साफ लिखा है कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे भी आपका डेप्रिशिएशन लगेगा इसका मतलब है डेप्रिशिएशन टोटल 189 एटी नाइन पे लगेगा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये 16 लाख रुपए माइनस होगा कि नहीं होगा एक प्रकार से तो ये सेल्वेज वैल्यू नहीं होगा क्योंकि साफ साफ लिखा है कि फुल कंस्ट्रक्शन फुल का मतलब बिना सेलवेज माइनस किए पूरा की पूरा आपको क्या करना है आपको डेप्रिशिएट करना है ठीक है डिस्काउंटिंग रेट आपको टेन परसेंट यूज करना है रेंटल रिपेयर जो है लास्ट डे में अराइज होगा कंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन अदर कॉस्ट विल ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब जीरो पीरियड में होगा आपको नॉर्मल लीज रेंट निकालना क्वेश्चन कैसे बनाया जाए ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहला सर एक काम करते हैं कितना पैसा लग रहा है वो कर लेते हैं हाँ तो पैसा तो दिख रहा है आपको एक सौ अस्सी लाख और ये आठ लाख है टैक्स सेविंग्स से भी ले लो इसको टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा सुनो काम काम की चीज क्या करना पड़ेगा ये पैसा तो गया शुरू में यस अभी एक काम करो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन कर लेते हैं वो भी हो जाएगा और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन के बाद आठ लाख है तो नेट ऑफ टैक्स चार लाख आएगा तो चार लाख फोर्टीन ईयर में और चार लाख 15 ईयर में वैसा वाला कर लेते देखते हैं कैसे किया है इंस्टिट्यूट नो डाउट ऐसे किया होगा ये हो गया हमारा 180 लाख 9 लाख ये हो गया कॉस्ट प्रिपेयर कितना है 8 लाख सर ये तो कोडी ने फिक... वो ले रहा है ना ले रहा 8 लाख में से टैक्स 50% नहीं है मैं 4 लाख बोल रहा था 50% बोल रहा था 50% नहीं 35% तो हर साल का मेरा पांच लाख बीस हजार है हर साल का मतलब फोर्टीन ईयर नेट ऑफ टैक्स और में तो फोर्टीन फिफ्टीन का फैक्टर यूज किया सर फैक्टर कितना परसेंट बोला तो दस ही परसेंट यूज किया होगा और ये आ गया उसका प्रेजेंट वैल्यू अब हिसाब किताब कर ले यस सर इसने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया तो ये पैसा आज और ये पैसा कौन सा रिपेयर का मिला के फोर्टीन और फिफ्टीन तो टोटल मिलाकर सर ये पैसा हमारे पास से जा रहा है ठीक है अब यार इन्होंने ऐसे कर रखा हम ऐसे नहीं करते हम टैक्स सेविंग्स और यहीं करते हैं हम सेलवेज भी यहीं एडजस्ट कर लेते हैं इन्होंने ऐसे कर रखा ऐसे भी कोई गलत नहीं है पर मैं वैसे अपने तरीके से समझा दूं क्योंकि इस क्वेश्चन में फिर क्या कुछ नया मिल जाएगा फिर परेशान हो जाओगे इट मीनस मैं आपसे बोल रहा हूं कहाँ तक आया था हमारा ये एक सौ इक्यानवे लाख इकसठ हजार चार सौ ठीक अब इसी में से मैं माइनस कर देता हूं टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिशिएशन कितना डेप्रिशिएशन करना वन एटी नाइन लैक्स डिवाइडेड बाई कितने साल में करना पंद्रह तो सर बारह लाख साठ हजार और इसका टैक्स सेविंग कितना जाएगा पैंतीस परसेंट तो हर साल कितना फोर लैख फोर्टी वन थाउजेंड पंद्रह साल का फैक्टर दस परसेंट के हिसाब से तो ये है सर फैक्टर सेवन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स इंटू फोर लैख फोर्टी वन थाउजेंड तो सर ये आ गया थ्री थ्री फाइव फोर टू फोर सिक्स इसके अलावा और एक क्या हो गया टर्मिनल वैल्यू मतलब सोलह लाख रुपया टैक्स काट के तो सोलह लाख टैक्स क्यों कटेगा कैपिटल गेन टैक्स काट के माइनस थर्टी फाइव परसेंट तो सर दस लाख चालीस हजार मिलेगा यस yes. और दस लाख चालीस हजार में कौन सी ईयर में मिलेगा फिफ्टींथ ईयर का फैक्टर पॉइंट टू थ्री नाइन फोर दस लाख चालीस हजार इंटू पॉइंट टू थ्री नाइन फोर तो ये भी आ गया टू फोर एट नाइन सेवन सिक्स अब बताओ कितना जा रहा है सर वन नाइन वन सिक्स वन फोर डबल जीरो माइनस थ्री थ्री फाइव फोर टू फोर सिक्स माइनस टू फोर एट नाइन सेवन सिक्स तो सर ये जा रहा है पंद्रह लाख एक करोड़ पचपन लाख चौसठ हज़ार वन सेवेंटी एट इसमें मैंने टैक्स सेविंग एंड एप्रीशिएशन कर कंसीडर कर लिया इसमें मैंने टर्मिनल वैल्यू भी कंसीडर कर लिया अब नॉर्मल लीज रेंट को हमने एक्स माना है अगर देखो एक्स नेट ऑफ टैक्स कर लेते ना यार तो पॉइंट सिक्स फाइव एक्स इसको पहले साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब पहले पांच साल का थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो सेवन दूसरे साल का दूसरा एक तो फाइव टू जीरो फाइव फाइव हो गया एक

जीरो सेवन एम प्लस एट फोर फाइव इंटू टू पॉइंट थ्री फाइव थ्री एट एम प्लस नाइन सेवन फाइव इंटू वन पॉइंट फोर सिक्स एम प्लस एम आर सी तो ये लगभग आ गया फाइव पॉइंट एट सेवन सेवन एट फाइव पॉइंट एट सेवन एट डिवाइड कर देता हूं फाइव पॉइंट एट सेवन एट इक्वल करने के लिए तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा तो वन डबल फाइव सिक्स फोर वन सेवन एट डिवाइडेड बाय फाइव एट सेवन एट तो गया। ये तो यार वन डबल फाइव फाइव एट वन सेवन सेवन से है फैक्टर वैक्टर की वजह से आया है और यह तो ठीक है टू फोर एट नाइन सेवन सिक्स ये भी ठीक है और टैक्स सेविंग और डेप्रीशियशन भी ठीक है ठीक है मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये टेबल ना यूज करें हम लोग हम ऐसे कर ले और फिर ये ऐसा कर ले लीज़ रेंट का तो आपका आंसर यही आ जाएगा हंड्रेड परसेंट ठीक है ये टोटल कितने फ्लैट का है दस फ्लैट का तो डिवाइडेड बाय दस कर देना तो एक फ्लैट का जाएगा नॉर्मल लीज़ रेंट नॉर्मल अच्छा क्वेश्चन है ऐसा प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो आपकी मर्जी आपको जैसे करना इसमें मैथ से ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें सिंपल तरीके से काम हो जाएगा ठीक है हाँ बोलो हाँ ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था आगे चले एक छोटा सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर आज तो खत्म करके रहना चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए चाहे सारी रात लग जाए आज खत्म करना ही है ले हां जी पढ़े हिम्मत से पांच क्वेश्चन पांचवे क्वेश्चन के बाद फिर दो मिनट का ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करो Like a DF a leasing company has agreed to lease an equipment to its customer for four years, which is also the life of the equipment, the equipment cost. Cost Has no salvage value and can be depreciated in four years. मेथड है एस एल एफ द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड द लीज रेंट टू बी पैड एट दाइन इंपॉर्टेंट है बस इसी की वजह से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड दैट लीज रेंटल टू बी पैड एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एट एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के एंड में और किस रेशो में टू इंस टू टू इज वन इज वन ये एक समस्या ठीक है सर इसको समझना पड़ेगा कि समझना तो पड़ेगा सुनो ध्यान से यहां ये है जीरो ये है वन यह है टू यह है थ्री और यह है चार लीज रेंट कितना जा रहा है टू टू वन वन कहाँ जा रहा है एक्स मान के चलो तो सर यहाँ टू एक्स और यहां भी टू एक्स इस पीरियड का इस पीरियड का यहाँ और इस पीरियड का यहाँ और उसके बाद सेकेंड ईयर में नहीं बोले थर्ड ईयर का एक्स एंड में और एंड में ऐसा बोला यहां तक ठीक मतलब ये टु एकस, टु एकस, यहां तो पैड नहीं होगा इस पीरियड का इस पीरियड का यहाँ इस पीरियड का यहां और इस पीरियड का यहाँ और इस पीरियड का ये और इस पीरियड का ये ठीक अब सवाल टैक्स सेविंग्स पे आएगा टैक्स का रेट कितना है थर्टी फाइव परसेंट अब टैक्स सेविंग्स की बात करना आराम से सुनना यहां वाला टैक्स यहां बचेगा हाँ सर तो कितना टू का थर्टी फाइव परसेंट मतलब सर यहां टैक्स सेविंग होगा पॉइंट सेवन एक्स यस और यहां टैक्स सेविंग होगा पॉइंट सेवन एक्स यस यहां कुछ नहीं जाएगा और यहां यहीं के टैक्स हो जाएगा मतलब यहाँ यहां टैक्स सेविंग क्या हो जाएगा सीधा सीधा ले लेना 0.7x तो यहां टैक्स सेविंग्स होगा 0.3x और यहां भी टैक्स सेविंग्स होगा 0.35x और यहां भी आएगा 0.35 मतलब इसको और इसको हम नेट कर सकते हैं मतलब इसको सीधा ले सकते हैं 0.65x और इसको भी ले सकते हैं 0.65x और पर यहां का बस यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा ठीक और मशीन कितने की है 300 लाख ठीक टारगेट रेट कितना है बारह परसेंट पर ही फॉर दिस लीज ठीक है कैलकुलेट द लीज रेंट पेबल बाय द कस्टमर फॉर ईच ईयर यूज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टू डेसिमल प्लेसेस ओनली एज गिवन इन द टेबल मैं तो आपको बोल रहा हूँ टेबल दिया रहता था अब पता नहीं राउंडेड ऑफ करना कैश फ्लो टू द नियरेस्ट रुपीज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन शो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुन अच्छा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूम डेप्रिशिएशन पे जो टैक्स सेविंग्स करोगे ना वो क्यूमुलेटिव ले लेना बोल रहा है ठीक है जी ठीक है प्रेजेंट वाले फैक्टर अप्लाई टू कैश टू ईच ईयर एंड अराइव एट लीज रेंट ठीक है कोई दिक्कत नहीं मान लो कि नॉर्मल एनुअल लीज रेंट एक्स है अब ध्यान से मेरी बात समझना इसने इसी टेबल में पूरा कर रखा हम भी पूरा ही कर रहे हैं सबसे पहले जीरो पीरियड में हमारे जेब से जाएगा मशीन खरीदेंगे तो तीन लाख और यहां आ गया 300 लाख सर अगर हमने मशीन खरीदा है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हां 300 डिवाइडेड बाय चार और उस पर टैक्स सेविंग होगा इनटू 35% तो हर साल टैक्स सेविंग होगा 26.25 फैक्टर लेना है 12% उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मेरा टैक्स सेविंग्स इसको उसने माइनस में ले रखा इसको प्लस में तो ये पैसा हमारे जेब से जा रहा है तीन सौ माइनस सेवनटी नाइन पॉइंट सेवन फोर सेवन फाइव तो टोटल दो सौ बीस पॉइंट टू फाइव टू फाइव दो सौ बीस पॉइंट टू फाइव टू फाइव क्या चीज निकल रहा है दो सौ बीस पॉइंट टू फाइव टू फाइव सर अगर हम मशीन खरीदते हैं तो ये पैसा जाएगा हमने मशीन खरीदा उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना जाएगा तो चलो लीज रेंट वसूल करते अब देखो लीज रेंट अच्छे से बेटे अब यहां फोकस करना जीरो पीरियड में टू एक्स सीधा टू एक्स आ गया फर्स्ट ईयर के एंड में फिर टू एक्स टू एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ और लेकिन पैसा बच रहा पॉइंट सेवन एक्स तो यहां पॉइंट सेवन एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये ठीक

थर्ड ईयर के एंड में इतना और इतना मिलेगा हमको मिलेगा मतलब मैं लीज पर दे रहा हूं ना तो मिलेगा और उन सब का प्रेजेंट वैल्यू आया तो थ्री पॉइंट ठीक है और दिस डिवाइडेड बाय दिस तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी वैल्यू निकल आ गई फिर निकाल सकते फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रेंट क्या होगा और थर्ड ईयर और फोर्थ का ठीक है सिंपल था ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल था पिछले तीन क्वेश्चन की अपेक्षा सर एक क्वेश्चन और करें फिर भले ही ब्रेक ले लेंगे हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते ये भगवान छोटा हो छोटा है उतना बड़ा नहीं सब मतलब यार पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बाकी कैलकुलेशन में तो ड लगेगा वो तो आप कर रहे हो मेरा काम है क्वेश्चन समझाना लोटस फाइनेंस लिमिटेड इज इंगेज इन अ लीजिंग बिजनेस जब भी लीजिंग बिजनेस में एंगेज की बात होगी ना तो बात आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कि लीजिंग कंपनी करती क्या है सर लीजिंग कंपनी एसिड खरीदती और लीज पे देती है तो पैसा किस में जाता है एसिड खरीदने में और पैसा आएगा कहां से किस रूप में लीज रेंट के रूप में ठीक है द कंपनी वाट्स यूर एडवाइस टू स्ट्रक्चर द लीज ऑफ मशीन कॉस्टिंग तीस लाख रुपए तो पैसा जाएगा कितना तीस लाख रुपए तीस लाख रुपए द मशीन विल हैव नो वैल्यू वैल्यू जीरो और लाइफ ऑफ मशीन कितना है पांच साल इट हैज बी फिर शब्द लिखा है फुली डेप्रिशिएटेड इन फाइव सैलवेज नहीं है तो फुली डेटेड लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको द एवरेज पोस्ट कॉस्ट ऑफ फंड टू Lotus फाइनेंस इज 10%. ठीक दस परसेंट है जो पैसा उठा रहे हो दस परसेंट कॉस्ट बट टू कवर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को कवर करना है तो दो परसेंट बढ़ाकर लेना मतलब सर सीधा बोलो ना कि डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना है बारह परसेंट डिस्काउंटिंग से टैक्स का रेट है पचास परसेंट टैक्स आर पेड ऑन लास्ट डे ऑफ ईयर बहुत अच्छी बात है आपको लीज रेंट निकालना है अगर मशीन कितने की है तीस लाख तीस लाख रुपए रिकवर करना है ठीक है अगर लीज रेंट जो पे होगा वो कब होगा फर्स्ट डे ऑफ इच ईयर मतलब बिगनिंग ऑफ इच ईयर या तो होगा एंड ऑफ इच ईयर ये तो क्वेश्चन हो जाएगा इन्होंने डेप्रिशिएशन का टैक्स सेविंग्स यहां कर रखा है हम नहीं भी करोगे तो चलेगा सबसे पहले ये लीज रेंट को उसने क्या माना एक्स 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 और फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है ना यस yes. तो सीधी सीधी बात है ये आ गया फोर पॉइंट जीरो थ्री एट टू एक्स और टैक्स का रेट कितना है सर टैक्स का रेट है रेट है फिफ्टी पर मतलब टैक्स सेविंग्स होगा पॉइंट फाइव जीरो एक्स फैक्टर लेना पड़ेगा वन टू फाइव और वन टू फाइव का रेट है थ्री पॉइंट सिक्स जीरो फाइव तो पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट सिक्स जीरो फाइव तो सर ये आ गया वन टैक्स सेविंग हो गया वन पॉइंट एट जीरो टू फाइव एक्स तो बताओ नेट कितना आएगा माइनस फोर पॉइंट जीरो थ्री एट टू तो ये आ गया सर टू पॉइंट टू थ्री फाइव सेवन एक्स टू पॉइंट टू थ्री फाइव सेवन एक्स ये आ गया लीज रेंट मिलेगा लेकिन पैसा कितना जाएगा सर तीस लाख और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएशन टैक्स सेविंग और डेप्रिशिएशन भी लेना पड़ेगा ना यार तो सर कितना है डेप्रिशिएशन तीस लाख डिवाइडेड बाय पांच मतलब छह लाख का फिफ्टी परसेंट सर तीन लाख तीन लाख हर साल इंटू थ्री पॉइंट सिक्स जीरो तो सर टैक्स सेविंग और डेप्रिशिएशन आ गया टेन पॉइंट तो सर ये आ गया नाइनटीन पॉइंट वन एट फाइव इंटू एक लाख तो सर उस हिसाब से उन्नीस लाख अठारह हजार पाँच सौ रुपए मेरा कैश आउटफ्लो है इसको डिवाइड कर देंगे टू पॉइंट टू थ्री फाइव सेवन से डिवाइडेड बाय टू पॉइंट टू थ्री फाइव सेवन तो लीज रेंट आ गया एट फाइव एट वन टू जीरो चल जाएगा और लास्ट डे है तो कैसे करना वो आपको पता है इसने अलग प्रेजेंटेशन से किया हमने अलग प्रेजेंटेशन से किया ठीक है बाकी ये थियोरी हमारे काम कर रही है तो टोटल कितने क्वेश्चन करना है दस दस में से कितने हो गए पांच और पांच क्वेश्चन बना रहे चले आगे चले देखें अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स दस नंबर का एग्जाम में आया था दिसंबर 2019 देखते हैं देखते इस क्वेश्चन में आखिर क्या खास बात है अच्छा क्वेश्चन है ये भी कुछ यूनिक चीज है मैंने क्वेश्चन ही ऐसे उठा रखे यूनिक। आर लिमिटेड प्रॉफिटेबल कंपनी ठीक है भाई इस कंसिडरिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीन और कितने रुपए का पचहत्तर लाख सर पचहत्तर लाख रुपए की न्यू मशीन खरीदने का सोच रहे मशीन की लाइफ कितनी है पांच साल पांच साल है लाइफ विथ एनुअल मेंटेनेंस इंश्योरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है बारह लाख अगर मशीन खरीदते हैं इंश्योरेंस वगैरह मेंटेनेंस वगैरह का बारह लाख रुपए पर एन का खर्चा। का है इज ओवर इट्स लाइफ ऑन स्ट्रेट लाइन एसएलएम। और सेलवेज वैल्यू है जीरो, जीरो। मैं क्वेश्चन लिखते हुए ही करता हूं तभी मुझे यहां दिखती है सारी चीजें टैक्स का रेट है तीस परसेंट पूरा की पूरा हम बैंक से लोन ले रहे थे उसके हिसाब से हम डिस्काउंटिंग केडी निकालते थे इस बार ऐसा नहीं है बोले आप डेट का पैसा उठाए सिक्सटी परसेंट ऑफ फोर्टी परसेंट इक्विटी का मतलब हमको जो यूज करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग रेट वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा क्योंकि इस बार पूरा डेट से नहीं ठीक है और कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स दिया है आठ परसेंट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है बारह परसेंट सुनो पहले मैं के डी आफ्टर टैक्स निकाल लू आठ वन माइनस टैक्स का रेट कितना है पॉइंट थ्री जीरो तो सर 5.6 हो गया ना आठ अठारह सत्रह छप्पन फाइव पॉइंट सिक्स तो केव निकाल लेते केव मतलब डब्ल्यू सी सी जिससे हमको डिस्काउंटिंग करना है याद है ऐसा या पढ़ा था कहाँ पढ़ा है आपने ई एम ए इंटर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सर 5.6 डेट से 60 परसेंट और 12 और इससे कितना है 40 परसेंट तो डिस्काउंटिंग रेट निकल जाएगा 5.6 into 60 percent M plus 12 into 0.4 M plus MRC. तो आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा 8.16 परसेंट से इस क्वेश्चन की खास बात यही है ठीक आर लिमिटेड इंटरेस्टेड है कि जो मशीन खरीदेंगे उसको हम लीज पर दे देंगे ठीक और लीज पर किसको देंगे लेसी को जिसका नाम है एल और लीज रेंट लेंगे ईयर एंड आर विल हैव टू मेंटेन ये इंपॉर्टेंट है आर आर का मतलब कौन क्यों सर हमें लीजिंग कम और हम खुद ही मेंटेन करेंगे ठीक इक्विपमेंट एट कॉस्ट इट मींस इस बार मेंटेन अगर मैं लीज पे दे देता लीज रेंट भी मिलता और मैं कहता हूँ मेंटेनेंस भी आप करना तो मेरा टेंशन ही खत्म हो जाता लेकिन यहां हमें मेंटेनेंस खुद को ही करना है सिर्फ सामने वाला लीज रेंट देगा तो मेरे कैश आउट्लो में मशीन का कॉस्ट तो आएगा ही मेंटेनेंस भी आएगा नेट ऑफ टैक्स टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिशिएशन आएगा और डिस्काउंटिंग किससे करेंगे 8.16 से बदले में हमें लीज रेंट मिलेगा नेट ऑफ टैक्स कर लेंगे उसको भी वाट शुड बी द लीज रेंट बताइए लीज़ रेंट कितना आ जाएगा अगर मशीन एक्वायर कर रहा है फ्रॉम टोटल फाइनेंस पुल मतलब इससे एक्वायर तो सबसे पहले, सीधी -सीधी बात है, उसने पहले निकाला तो पचहत्तर लाख डिवाइडेड बाय पांच किया तो पंद्रह लाख का उस पर टैक्स निकाला तो साढ़े चार लाख ठीक और यहां उन्होंने डब्ल्यू एस सी सी निकाला डब्ल्यू एस सी कितना गया? पॉइंट नंबर टू अलग है पहले पॉइंट नंबर वन कर इसने पॉइंट नंबर टू भी बीच में डाल दिया जरूरत नहीं थी अभी एनुअल ये खर्चा कितना बारह लाख तो नेट ऑफ टैक्स निकाला तो साढ़े आठ लाख रुपए अब 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 वैसे तो यह सिंपल तरीके से भी कर सकता था पर इसने देखो कैसे किया इसने कहा यार हमारा हर साल का आठ लाख चालीस हजार रुपए खर्च है बारह लाख नेट ऑफ टैक्स आठ लाख चालीस हजार पैसा जाएगा पर हर साल डेप्रीशियन पे टैक्स होगा साढ़े चार लाख तो अगर उसको कंसीडर करने के बाद तो भी हमारा मेंटेनेंस का नेट ऑफ टैक्स करने के बाद भी और भी के बाद, हर साल का तीन लाख नब्बे हजार का खर्चा है ठीक है यहां तक ठीक है सर और डिस्काउंटिंग किससे करना है सिक्स से तो फिर उन्होंने सीधा सीधा किया होगा कि शुरू में जाएगा पचहत्तर लाख और तीन लाख नब्बे हजार का खर्चा है तो टोटल आ गया ये ठीक है मतलब टोटल आया सर नब्बे लाख पचास हजार छ सौ चालीस और लीज रेंट कितना ले तो लीज रेंट एक्स और टैक्स का रेट कितना है जी सर टैक्स का रेट था तीन परसेंट तो पॉइंट सेवन एक्स आफ्टर टैक्स और इसको मल्टीप्लाई करना प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर जो कि है थ्री पॉइंट नाइन सेवन सिक्स तो पॉइंट सेवन इंटू थ्री पॉइंट नाइन सेवन सिक्स तो ये आ गया नेट ऑफ टैक्स टू पॉइंट सेवन एट थ्री टू एक्स तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी नाइन ज़ीरो फाइव जीरो सिक्स फोर जीरो डिवाइडेड टू पॉइंट सेवन एट थ्री एट टू तो सर लीज रेंट आ गया थ्री टू ये कुछ नहीं ये तो क्वेश्चन कुछ स्पेशल था इसमें कुछ स्पेशल नहीं था स्पेशल बस एक ही थी चीज थी कि उसने डब्ल्यू एस सी सी यूज किया है और क्यों किया वो मैंने बताया क्योंकि तो कुछ डेट से था कुछ इक्विटी से था पॉइंट नंबर टू अगर आर लिमिटेड बैंक बोरोइंग से ही काम करता और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता टेन परसेंट मतलब वो अभी इक्विटी, इक्विटी पूरा अब डेट के थ्रू काम करता इंटरेस्ट और आउटिंग एट द बिगनिंग ऑफ इच ईयर ठीक है जो लोन है विथ ईयर एंड इंस्टॉलमेंट पंद्रह लाख प्रिंसिपल एंड बैलेंस टूअर्ड इंटरेस्ट फॉर द ईयर वो कह रहा है कितने की मशीन आ रही बोले पचहत्तर लाख की मशीन है तो बोले पचहत्तर लाख रुपया सर हम एक काम करते दस परसेंट के हिसाब से लोन ले, ले लेते हैं ठीक है बोले इंस्टॉलमेंट कितना तो इंस्टॉलमेंट बोले रहेगा पंद्रह पंद्रह लाख का पंद्रह लाख पंद्रह लाख पंद्रह लाख पंद्रह लाख पांच साल में खत्म करेंगे और बोले इंटरेस्ट बोले वो अलग से इंटरेस्ट भी देंगे वो अलग से देंगे पंद्रह लाख में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है वो इंटरेस्ट अलग से है तो बोले अब बताओ क्या करेंगे तो सर अब हमको बैंक बोरोइंग से देखना पड़ेगा कि कितना हमारे जेब से जा रहा है उसमें पचहत्तर लाख एक साथ नहीं जाएगा तो इस तरह से काम हमने पैसा कितना लिया सेवेंटी फाइव लैख हर साल का इंस्टॉलमेंट कितना आएगा पंद्रह लाख पंद्रह लाख पंद्रह लाख पंद्रह लाख पंद्रह लाख ये तो पैसा जाएगा ही जाएगा साथ में इंटरेस्ट भी जाएगा पहले साल पचहत्तर लाख ,00 का दस परसेंट सात लाख पचास हजार उसको नेट ऑफ टैक्स कर दिया उसने पांच लाख पच्चीस हजार तो पंद्रह लाख ये जा रहा है और पांच लाख पच्चीस हजार ये जा रहा है तो टोटल मिलाकर बीस लाख ,00, पच्चीस हजार रुपए जा रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर निकलेगा साठ लाख का दस परसेंट छह लाख तो छह लाख ये जाएगा नेट ऑफ टैक्स ये और पंद्रह लाख तो जाना ही है प्रिंसिपल का इंस्टौर, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो इस तरह से टोटल हमारा पैसा जाएगा फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया फैक्टर कितना परसेंट लिया ये इंपॉर्टेंट है दस परसेंट नहीं लिया होगा दस का सात परसेंट फैक्टर लिया क्योंकि यहां बैंक बोरोइंग है पूरा की पूरा इसलिए के डी यूज करेंगे ठीक है इसके बाद तो फिर ये तो मालूम ही है आपको ये चीज़ तो रहेगी टैक्स सेविंग और डेप्रेशन मेंटेनेंस वगैरह तो टोटल मिलाकर इतना खर्चा और उसके हिसाब से ये क्या चीज है सर ये हमारा वही वाला है डेप्रेशन और मेंटेनेंस का खर्चा नेट ऑफ टैक्स ये वाला कौन सा वाला है सर ये लोन ऑप्शन के थ्रू कैसा उठ लो ठीक है तो टोटल मिलाकर पंद्रह लाख निन्यानवे हजार इसको मल्टीप्लाई किया और ये तो है ही है तो टोटल मिलाकर इतना और फिर ये आफ्टर टैक्स कर देना ये बिफोर आफ्टर टैक्स कर देना तो आ जाएगा फाइनली इतना आ जाएगा इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी सबसे इंपॉर्टेंट था डेट और इक्विटी दोनों को यूज किया बाकी इस क्वेश्चन और एक दूसरी खास बात ये थी कि ये वाली चीज पहली बार आया ये वाली चीज कि यहां से प्रिंसिपल कोई पांच किस्त है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से हो चले आगे क्वेश्चन नंबर सेवन करें यस सर करना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं चलो क्वेश्चन नंबर सेवन करते अ कंपनी विशेष टू एक्वायर एसेट कॉस्ट एसेट्स का कॉस्ट कितना है एक लाख रुपए बोल रहा है कि हम एक लाख रुपए की एसेट्स खरीदेंगे कंपनी हैज ऑफर फ्रॉम अ बैंक और कितने परसेंट पे पर आपको उधार मिल जाएगा अठारह परसेंट एक लाख रुपए की मशीनरी खरीदनी अठारह परसेंट के हिसाब से हमको उधार मिल जाएगा ठीक अब फिर वही वैसी वाला क्वेश्चन है लिखा है द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिपेबल इन इक्वल फाइव ईयर सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहा है इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा मतलब एक लाख रुपए हमें वापस करना है कितनी किस्तों में पांच किस्तों में तो हर बार प्रिंसिपल वापस होगा बीस हजार और इंटरेस्ट पहले साल एक लाख पे बिगिनिंग में तो नहीं बोला ना भाई नहीं ईयर एंड में इंटरेस्ट पहले एक लाख पर फिर अस्सी हजार पे फिर साठ हजार पे इस तरह से पिछले वाला क्वेश्चन जैसे ही ठीक है या तो आप लीजिंग कंपनी से ले सकते हैं और लीजिंग कंपनी लीज रेंट कितना चार्ज कर रही दो सौ अस्सी रुपए पर रुपीज था सो अस्सी रुपया ले रही है एक हजार रुपए की वैल्यू पे तो टोटल एक लाख पर कितना लीज रेंट आएगा और ये आ गया लीज रेंट अट्ठाइस हजार रुपए सीधा बोलता कि लीज रेंट अट्ठाइस हजार रुपए तो बात खत्म हो जाती है एसिड की लाइफ है पांच साल और सैलरीज वैल्यू दिया है दस हजार तो डेप्रिशिएशन में काम आएगा एंड द कॉस्ट नेट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू बोला है सब कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देना उसके बाद जो है वो डेप्रिशिएट करना इक्वली ठीक एज्यूम दैट दिस इज ओनली एसेट इट्स क्लास सो दैट एंड ऑफ फिफ्थ ईयर देयर विल बी कैपिटल गेन और लॉस है विथ ट्वेंटी परसेंट टैक्स इफेक्ट वेन द एसेट इज सोल्ड टैक्स का रेट है पचास परसेंट बेहतरीन क्वेश्चन फ अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है यार लास्ट में जान लेने वाला क्वेश्चन है, मिनिमम सेल वैल्यू ऑफ ऑफ द द एसिड एंड फिफ्थ बोल रहा है पांचवे साल में कितने रुपए की एसिड बिक जाए सेलवेस वैल्यू मांग रहा है सर दिया तो है बोले नहीं ये दस हजार ठीक है पर कम से कम कितने की बिक जाए मशीन ताकि बोरो एंड ऑन द एसिड बी प्रफे बोरिंग हमारे लिए अच्छा बढ़े मतलब यार ज्यादा की बिकना चाहिए यस yes. हमारे लिए बोरोइंग अच्छा और लीजिंग की अपेक्षा तो करना क्या पड़ेगा पहले यह देखना पड़ेगा लीजिंग में कितना पैसा जा रहा है जितना पैसा लीजिंग में जा रहा है उतना या उससे कम किस में जाना चाहिए बोरो में और कम तब जाएगा जब सेलविस वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि तो वो माइनस में आता है ना आपको कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग करना डिस्काउंट ईच ईयर शोइंग वैल्यू सेपरेटली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एज प्रोवाइडेड ये सब कहानी किससे दे रखा है सबसे पहले यार करना हो ना तो आपको सबसे पहले लीज रेंट में कितना पैसा जा रहा है ये निकाल लो तो सर अट्ठाईस हज़ार है लीज रेंट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स आ गया चौदह हज़ार फिफ्टी परसेंट टैक्स होगा मतलब हाँ बोलो ना यार हाँ और मतलब फोर्टीन थाउजेंड टैक्स और एन्यूटी फैक्टर थ्री पॉइंट एट एट नाइन सर ये किधर से आया डिस्काउंटिंग रेट कहाँ है अठारह का नौ लेना पड़ेगा यस नौ परसेंट के सबसे एक बार चेक करिए वन डीवाई वन पॉइंट जीरो नाइन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ज्यादा पहुंच गया वन डी वन पॉइंट जीरो नाइन एक दो तीन चार पाँच थ्री पॉइंट एट एट नाइन हाँ हंड्रेड परसेंट मतलब डिस्काउंटिंग कितने परसेंट के सबसे करना है नाइन परसेंट तो ये आ गया ये किसके हिसाब से आ गया लीज रेंट लीज के हिसाब से आपका फाइव फोर फाइव 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 फोर 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 सिक्स जा रहा है अगर हम लीज से एसिड परचेज करें तो अब किसकी बात करें बोरों हर साल किस्त कितने कितने की बीस हज़ार की बीस हजार बीस हजार बीस हज़ार बीस हजार बीस हज़ार तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा ये हमारे काम का नहीं है और इंटरेस्ट जाएगा पहले अठारह परसेंट एक लाख पे फिर अस्सी हजार पे फिर साठ हजार पे इस तरह से इंटरेस्ट भी निकाला कैसे निकाला होगा लाख माइनस दस हजार डिवाइडेड बाई फाइव डेप्री निकाला फिर इन दोनों को जोड़ दिया फिर उस पर टैक्स सेविंग्स निकाला ठीक है अब ये कैसे निकाला सर एक तो ये पेमेंट हो रहा प्रिंसिपल एक हो रहा इंटरेस्ट और उसमें से टैक्स सेविंग माइनस कर दिया तो ये आ गया ठीक है ये क्यों निकाला था ताकि हम टैक्स सेविंग्स निकाल सके दिस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स तो ये आ गया उसका फैक्टर आया तो आ गया ठीक तो है सर अब क्या करना है अब काम की चीज है अब सुनना ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा हंड्रेड परसेंट अब सुनोगे ध्यान से अगर मैं लीज में जाता हूं तो सर फाइव फोर 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 सिक्स इतना कैश आउटफ्लो पड़ रहा है अगर मैं लीज में जाता हूं तो बोरोइंग में इससे कम पड़ना चाहिए तो सर बोरिंग में हमको एक तो ये कैश आउटलो पड़ रहा है सिक्स फोर नाइन एट टू बस इसमें से क्या माइनस करना है सेलवेस और सेलवेज कितना रखना है वही निकालना है तो सेलवेस कितना रखना है सेलवेज मान लो एक्स सेल्स कंसिडरेशन यस कितने की बिकेगी ये इसको लिखते हैं सेल्स कंसिडरेशन सर इसमें से क्या माइनस करेंगे बुक वैल्यू दस हजार तो कैपिटल गेन आ गया एक्स माइनस दस हजार क्योंकि सिर्फ ये यहां एक्स लिखूंगा तो उस गेन टैक्स भी तो लगेगा ना भाई समस्या है ठीक है सर एक्स माइनस दस हजार टर्मिनल वैल्यू निकाल रहा हूं ठीक है सर ये कैपिटल गेन आ गया गे, टैक्स और टैक्स का रेट कितना ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट लिखा है क्या ऐसा कुछ यस, ट्वेंटी परसेंट तो सर ये आ गया ट्वेंटी परसेंट पॉइंट टू जीरो एक्स माइनस कितना? दस हजार हजार? का ट्वेंटी परसेंट दो तो ये इसको लेते थे वन इसको लेते थे टू तो फाइनली हमारा क्या बना एक्स माइनस इसमें से माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस पॉइंट

इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट लेना वो ले लेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ठीक है हाँ बोलो यार हाँ पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट सिक्स फाइव सर सबसे पहले इसको उठाकर इधर कर देते हाँ बात सही इसको उठा के इधर कर लो सिक्स फोर नाइन एट टू माइनस फाइव फोर 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 सिक्स तो सर ये आ गया वन जीरो फाइव थ्री सिक्स एस इक्वल टू अब क्या बचा माइनस एक्स सर इसको उठा के इधर डिवाइड कर सकते हैं क्या यस ऐसा भी कर सकते हैं भाई ये इधर मल्टीप्लाई है डिवाइड मैथ तो आप देख लोगे ना संभाल लोगे मुझे ऐसा लगा वही किया पॉइंट इसको इसको माइनस कर दिया तो पॉइंट एट एक्स और दो हज़ार का दो हज़ार लिखा और ये आ गया दस हजार पाँच सौ छत्तीस ये आया था ना हमारा दस हज़ार पाँच सौ छत्तीस पॉइंट सिक्स फाइव से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारा ठीक डिवाइड करने पे यह आ गया बस इसको इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा सत्रह बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा था बस ये इंपॉर्टेंट है ये पूछ रहा था कि सैलवेज वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि हमारा बोरिंग अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन लास्ट का पॉइंट तो वाकई जान लेने वाला है डाउट आएगा ही पूछ लेना भाई बाकी यार अगर मेरी क्लास की हो तो किया ही होगा ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट 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 एक एट। दो क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा यार उतना तो कर लेना क्वेश्चन नंबर एट ली इंडस्ट्री विशेष टू इंस्टॉल अ तो प्लांट इन इट्स फैक्ट्री एट ए कॉस्ट ऑफ कितना रुपए लग रहा है सौ लाख रुपए प्लांट में भाई सौ लाख रुपया लगाना है इट कैन लीज द प्लांट फ्रॉम एलओआर आर कंपनी फॉर थ्री इयर्स तीन साल के लिए लीज पर ले रहे हैं ईयर एंड पेमेंट कितना थर्टी फोर लैक्स प्लांट इंस्टॉल कर रहा है और उसको लीज पर दे रहा है, ठीक है एल ओ आर मेंटेन द प्लांट फाइव लैख पर एन एम पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर प्लांट को मेंटेन करने का खर्च लग रहा है पांच लाख प्लांट जो है उसको मेंटेन करने मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लग रहा है जी पांच लाख रुपए लग रहा है ठीक अच्छा क्वेश्चन है ये ध्यान से समझना पड़ेगा फाइव लैख पर है ना पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर विथ नो चार्ज टू लीव फॉर मेंटेनेंस और हम मेंटेनेंस का वसूल नहीं कर रहे ठीक अल्टरनेटिवली ली कुड बोरो रुपीज हंड्रेड लाख फ्रॉम द बैंक आदर टेक एन फ्रंट एक्सटेंडेड वारंटी सीधी सी बात है यार प्लांट इंस्टॉल करना है कितना आ रहा इंस्टॉलेशन का खर्चा सौ लाख या फिर आप लीज पे ले लीजिए कितना लगेगा चौतीस लाख सीधी सी बात है चौतीस लाख पर है ना प्लांट मुझे चाहिए या तो सौ लाख रुपया खुद का लगाओ किसकी बात हो रही है ली इंडस्ट्री की या तो फिर लीज पर ले लीजिए चौतीस लाख रुपए के हिसाब अच्छा, से अच्छा लीज पर किससे ले रहे हैं एलओआर और एलोआर क्या बोल रहा है मेंटेन द प्लांट पांच लाख रुपए पर है नाम मेंटेनेस लगेगा बोले पांच लाख रुपए पर है नाम पेबल एट ईयर एंड खुद मेंटेन करेगा ठीक है ले रहे थे नो चार्ज चार्ज ली ली फॉर मेंटेनेंस मेंटेनेंस और मैंट्रेंस का कोई चार्ज नहीं देना अल्टरनेटिव ली क्या कर सकता है बोले ली कर सकता है कि सौ लाख रुपया सौ लाख रुपया का बैंक से उधार ले ले लेकिन और वारंटी ले ले एक्सटेंडेड वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी किस बात की वारंटी भाई बोले तीन साल तक एडिशनल दस लाख रुपए लगेगा वारंटी का दस लाख रुपए लगेगा और इनकर फाइव लाख मेंटेनेंस चार्जेस लाइक एलओआर विदाउट दिस एक्सटेंड वारंटी सुनो सुनो ध्यान से अब क्वेश्चन ये है कि भाई साहब ली आप लीज पे तो ले नहीं रहे हो बोले नहीं ले रहे हैं तो बोले ठीक है आप खरीद ही लो सौ लाख रुपया लगेगा ठीक बोले वो डिसीजन तो छोड़ो अब क्वेश्चन ये है कि आपको मेंटेनेंस का लगेगा जैसे एलओआर को मेंटेनेंस का लग रहा था वैसे आपको लगेगा हर साल पांच लाख रुपए पर एना पांच लाख पर एना ये लगेगा आपको मेंटेनेंस का और अगर नहीं चाहते हो कोई मेंटेनेंस वगैरह का तो हमसे वारंटी लीजिए या तो आप आज ही वारंटी का दस लाख रुपया दे दो आज दे दो दस लाख रुपए टेंशन खत्म मेंटेनेंस खुद कंपनी वाले जिससे हम प्लांट खरीद रहे ना वो मेंटेनेंस आके करें अब क्वेश्चन ये हो गया कि पांच लाख रुपए खुद ही मेंटेन करो तीन साल तक पांच लाख पांच लाख पांच लाख दीजिए पंद्रह लाख रुपए का खर्चा या तो दस लाख रुपए दे दो टेंशन खत्म करो इट मीन ऐसा भी एक डिसीजन हो सकता था और इस क्वेश्चन में वही डिसीजन पूछ रहा है अभी लीज़ वर्सेस बाई का तो ऑप्शन खत्म अभी तो ये पूछेगा कि वारंटी ले कि नहीं ले मतलब कैपिटल बेस्टिंग डिसीजन टाइप बैंक लोन वुड इन्वॉल्व एन इनिशियल पेमेंट वन लैख अच्छा बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस का वन लैख लगेगा एंड थ्री ईयर एंड इक्वेटेड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल टूगेदर विथ फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट ठीक है इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे द प्लांट विल क्वालिफाई फॉर एनुअल डेप्रिशिएस लाख रुपए का डेप्रिशिएशन लगेगा एंड सेवन लैक इज एक्सपेक्टेड सैलवेज और सैलवेज वैल्यू सात लाख है पचास परसेंट आफ्टर टैक्स है ना फाइंड आउट इफ द एक्सटेंडेड वारंटी इज वर्थ वाई बस मैंने जा, मैं जानता था वही ही पूछेगा कि भाई खुद अपने हाथ से मेंटेन करे वारंटी का छोड़ो पाँच पाँच लाख रुपए हम लगाएंगे या तो फिर दस लाख तो ये जो डिसीजन ये कैपिटल बजटिंग टाइप डिसीजन है

पहले तो उसने कहा किया लीज प्रपोजल का इवेलुएट करते चौतीस लाख जाएगा टैक्स के बाद हमारा सत्रह लाख जाएगा डिस्काउंटिंग रेट हमको के डी यूज करना पड़ेगा सात परसेंट के हिसाब से जो दिया है उसका आफ्टर टैक्स पर ये जो फोर्टीन है ना फोर्टीन उसको आफ्टर टैक्स कर लिया उसने तो सात परसेंट आ जाएगा ठीक तो जो सत्रह लाख जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया लीज के हिसाब से फोर्टी क्वेश्चन तो ये था ही नहीं क्वेश्चन है कि हमको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है कि नहीं लेना क्वेश्चन यहां पहले पे पहले नंबर तो यही था क्वेश्चन ठीक तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंस कैपिटल डिसीजन है तो वही किया होगा तो पहले पांच लाख का प्रेजेंट वैल्यू हे भगवान ये क्या चीज अच्छा वारंटी लेता है तो दस लाख सर वारंटी पर टैक्स सेविंग्स हो रहा फर्स्ट ईयर के एंड में ऐसे कैसे हो सकता है वारंटी पर टैक्स सेविंग्स होगा हाँ, लिखा है एज्यूम दैट एक्सटेंडेड वारंटी कॉस्ट क्वालिफाइड फॉर टैक्स डिडक्शन एट द एंड ऑफ वन ईयर हम वारंटी का पैसा दे रहे हैं ना तो खर्च है तो खर्च है तो टैक्स सेविंग से होगा बोले फर्स्ट ईयर में होगा चलो तो दस लाख जाएगा पर पांच लाख बचेगा भी तो अगर वारंटी लेते तो इतना कॉस्ट और सर अगर मेंटेनेंस करवाते तो पांच लाख आफ्टर टैक्स तो पांच लाख आफ्टर टैक्स तो ढाई तो तो लाख का खर्चा है छह लाख इक्कीस हजार तो सर वारंटी लो खत्म करो वारंटी लीजिए खत्म कीजिए याद रखना डिस्काउंटिंग कितने से परसेंट से किया दस परसेंट से केडी से डिस्काउंटिंग नहीं होगा अब बाइंग प्रपोजल की बात करो तो बाइंग प्रपोजल देख लें एक बार यस अब तो इजी हो गया शुरू में वारंटी का कितना जाएगा दस लाख और एक लाख रुपए मालूम है किस चीज का मांग रहे थे वो सर टोटल मिलाकर हमको सौ लाख का लोन है यस और इनिशियल पेमेंट कितना करना है एक लाख और बचा हुआ तीन किस्तों में पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल टू अलग से तो बस एक लाख ये और तैतीस लाख तैतीस लाख तैतीस लाख ये टैक्स सेविंग वारंटी का अच्छा सर इंटरेस्ट निकाल सकते हो ना पहले नाइनटी नाइन लाख पे उसके बाद सिक्सटी सिक्स लैख पे फोर्टीन परसेंट और उसके बाद थर्टी थ्री पे जाएगा टैक्स ऑन डेप्रिशिएगा आ जाएगा, जाएगा, जाएगा लास्ट में फिर तो कर क्या खास बात थी इस क्वेश्चन में एक कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन था कि वारंटी लेना है कि मेंटेनेंस खुद से करना है बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं थी हो जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ खास है क्या क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ ही लेते हैं जब इतना किया है, तो अब इसमें भी क्यों पीछे हटे कब आया था ये क्वेश्चन दिसंबर दो हजार बारह में लिखा है पता नहीं क्या कंपनी है भाई मैन्युफैक्चर बॉल बियरिंग द कंपनी प्लान टू ऐड सम मोर प्रोडक्ट लाइंस एंड सो इट हैज़ डिसाइडेड टू एक्वायर मशीन कितने की खरीद रहे हो पचास लाख पचास लाख की मशीन है पांच साल चलेगी सेलवेज वैल्यू दिया है दस लाख कंसीडर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगेन फॉर इनकम टैक्स ठीक है द फुल परचेस द फुल परचेस वैल्यू ऑफ मशीन कैन बी फाइनेंस बैंक से लोन ले लेंगे दस परसेंट इंटरेस्ट के हिसाब से और पांच किस्तों में चुकाना है एट द एंड ऑफ पीछे पहला तो हो गया अल्टरनेटिव चाहो तो आप पाँच साल की लीज ले लीजिए ईयर एंड लीज है बारह लाख पचास हजार पर एनम और डेप्रिशिएशन का मेथड है डब्ल्यू डी पच्चीस परसेंट के हिसाब से टैक्स का रेट है तीस परसेंट तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालिए किसके हिसाब से और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कौन सा अच्छा है और फैक्टर वैक्टर सब दिया हुआ तो सीधा है तो सबसे पहले डेप्रीशियशन का मेथड कौन सा है डब्ल्यू डी भी कहना है यार हाँ सर और रेट कितना दिया है पच्चीस परसेंट पहला वो काम करें पहले तो इसने इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाला वो तो लगेगा हमको बाद में पहले इसकी बात करते हैं पचास लाख दस परसेंट के हिसाब से इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाली सेल्स सबसे पहले डब्ल्यू डी की बात कर लेते हैं पचास लाख ये ओपनिंग डब्ल्यू डी वी काम नहीं है अगर एप्रिसिएशन करो हमको आता शॉर्टकट पचास लाख का पच्चीस परसेंट बारह लाख पचास हजार माइनस पच्चीस परसेंट थर्टी सेवन माइनस पच्चीस परसेंट ठीक है माइनस पच्चीस परसेंट सर ये भी ठीक है माइनस पच्चीस परसेंट ये भी ठीक है सर है, क्योंकि टैक्स सेविंग के लिए लगेगा ये लगे ठीक एग्जाम्पल में मैं करवा चुका अब डेट का पेमेंट ये भर ध्यान से ये टेबल आपको बनाना आता है ये आप निकाल लोगे एक इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है इसलिए ये टेबल हमने बनाया मैंने बताया था ना ये और इसके बीच का आप बैलेंसिंग फिगर ले लेना ठीक है ठीक है कॉस्ट आपको डिस्काउंटिंग कितने से परसेंट से करना है सात परसेंट से ठीक अब ये आपका लोन है इंस्टॉलमेंट टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट तो ये इंटरेस्ट है इसका टैक्स सेविंग हो गया थर्टी परसेंट तो थर्टी परसेंट यहाँ लिख दिया टैक्स सेविंग और डेप्रिशिएशन ये ध्यान देना ये करवा चुका हूं आपको बारह लाख पचास हजार लाख पचास का थर्टी टैक्स सेविंग हो गया तीन लाख पचहत्तर अब माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसा करके कर देना ठीक है तो इसमें से ये टैक्स सेविंग माइनस करोगे तो ये आएगा कैश फ्लो फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया और मशीन जो दस लाख का बेच रहे हो दस लाख का उसका ये तो इसने दो दो बार किया हम वैसा नहीं करेंगे मशीन का सेल्स कंसिड्रेशन कितना है दस लाख माइनस क्या करोगे बुक वैल्यू और बुक वैल्यू कैसे आएगा मशीन थी कितने की पचास लाख और डेप्रिशिएशन कितना परसेंट है पच्चीस परसेंट तो कैसे करते थे याद है बुक वैल्यू निकालना लास्ट की पॉइंट टू फाइव इंटू पचास लाख एक दो तीन चार पांच पांच बार इक्वल टू गलत हो गया पॉइंट टू फाइव नहीं पॉइंट सेवन फाइव इंटू पचास लाख एक दो तीन चार पांच तो सर ये आ गया वन वन एट सिक्स फाइव टू थ्री तो सर ये कैपिटल लॉस आ गया वन एट सिक्स फाइव टू थ्री इसका टैक्स कितना परसेंट है थर्टी परसेंट इंटू थर्टी परसेंट सर टैक्स में हो गया फाइव फाइव नाइन फाइव सेवन ये वन और ये टू प्लस दस लाख तो वन ज़ीरो फाइव फाइव नाइन इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई पॉइंट सेवन वन थ्री जीरो हमारे तरीके से बता रहा हूँ तो सर ये आ गया मल्टीप्लाई करने से सेवन फाइव टू एट नाइन सेवन और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा सात लाख तेरह हजार प्लस थ्री नाइन एट नाइन सेवन सेवन फाइव टू एट नाइन सेवन वही आएगा उसने पता नहीं क्यों अलग अलग किया भाई सीधा भी तो कर सकते थे टर्मिनल वैल्यू ठीक है सर ये किसके हिसाब से है अगर हम बोरिंग करते हैं तो दूसरा लीज रेंट बारह लाख आठ लाख पचहत्तर हजार सात परसेंट के हिसाब से ये आ गया कौन सा अच्छा आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी कुछ नहीं था नॉर्मल क्वेश्चन था और यार एक क्वेश्चन होमवर्क कर लेना क्वेश्चन नंबर टेन होमवर्क है अगर कोई डाउट्स आता है दूसरा नंबर अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इस पर पूछ सकते हो ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस ऐसे थे तो जो बेवजह थे तो कोई भी डाउट्स हो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए मैसेज कीजिए पूछ लीजिए चाहे लीजिंग में हो अब ना मैं पोर्टफोलियो का रिवीजन वीडियो ऑलरेडी है यार उसको कर लो सफिशियंट है म्यूचुअल फंड का ऑलरेडी है रिविजन वीडियो फॉरेक्स का तो मैंने अभी अभी डाला है इतने सारे रिविजन वीडियो है मुझे नहीं लगता कि रिविजन वीडियो के अब ना अब मत करो रिविजन अभी सीधी सी बात है लीजिंग का नहीं था कैपिटल वेस्टिंग का नहीं था मैं एग्री मैंने डाल दिया अभी एक काम करो जो भी डाउट्स आते हैं अब डाउट्स पूछो जो भी डाउट्स आते हैं मैं रिप्लाई करूंगा इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और डाउट्स पूछिए ठीक है जी थैंक यू वेरी मच रात में देख रहे हो तो ठीक है खत्म करते हैं गुड नाइट बाय बाय थैंक यू